हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू सिंपली जीएस। आज की इस वीडियो के अंदर अपन समझने वाले हैं कंप्लीट रिडक्स को, रिडक्स टूलकिट एंड रिएक्ट रिडक्स को किस तरीके से यूज किया जाता है अपने किसी भी रिएक्ट प्रोजेक्ट के अंदर। देखो रिडक्स जो है किसी भी आप फ्रंट एंड लाइब्रेरी के साथ आप यूज कर सकते हैं, फ्रंट एंड फ्रेमवर्क के साथ आप यूज कर सकते हैं, चाहे वो आपका एंगुलर हो, चाहे व्यू हो, चाहे वो अपना रिएक्ट जीएस हो। आज अपन रिएक्ट के साथ समझने वाले हैं। सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और चलते हैं अपने रिडक्स के इसके ऊपर। रिडक्स पे यहाँ पे आप आओगे, रिडक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे ट्यूटोरियल, यूजीएस गाइड, एपीआई, बेस्ट प्रैक्टिस और ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। वीडियो शुरू करने के पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा, काफ़ी लोगों ने बोला था कि रिडक्स जेएस मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, और कमेंट तो बहुत आए थे और इंस्टाग्राम पर भी कुछ लोगों ने बोला था। तो पहले तो मुझे ये बताओ इसमें ऐसा क्या डिफिकल्ट आपको लगता है। मे बी आपने तभी बोला ये चीज़ क्योंकि आपने पहले कहीं पे पढ़ा होगा या फिर किसी और का ट्यूटोरियल आपने पहले देखा होगा, तो डेफिनेटली आपने इसीलिए ये बात बोली होगी। तो मुझे बताइए इसके अंदर आपको क्या डिफिकल्टी आती है। आप पहले अगर आपको कोई पर्टिकुलर डिफिकल्टी आती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर आके मैसेज करके आप बता देना, क्योंकि मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो के बाद तो आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं आने वाली है। कंप्लीट बिल्कुल एक एक फंक्शन को डिटेल में समझाऊंगा और ऑब्जेक्ट फंक्शन एक किस तरीके से बन रहे हैं, कैसे आपको कैसे दिमाग के अंदर इसको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि जो सबसे खतरनाक चीज़ मुझे जो रिडक्स के अंदर लगती है, क्योंकि अपना दिमाग उसको एक्सेप्ट नहीं करता, उसको सही तरीके से समझता नहीं है कि ये इसका ए वाला मतलब है, इसको इस तरीके से यूज करना है। सीधा मतलब है कि रिडक्स को आप स्टेट मैनेजमेंट के लिए यूज कर रहे हो, वो एक स्टोरेज, एक स्टोर बनाया गया है, उस स्टेट में, उस स्टोर के अंदर कुछ स्टेट को रखा गया है, उस स्टेट में से आपको कुछ डेटा को निकाल के यूजर को शो कराना होता है। इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है रिडक्स का कि एक स्टोर है, स्टोर के अंदर आपने स्टेट को रख दिया, उस स्टेट में से मतलब उस स्टोर में से जिस स्टेट को निकालना है उस स्टेट को आप निकाल के यूज कर दीजिए। ये इतना सा छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, बस इस छोटे से कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के लिए कुछ मल्टीपल फंक्शन अपन यूज करते हैं रिडक्स के, जो बने बनाए फंक्शन होते हैं उनका अपने को यूज करना होता है, बस इतना सा छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है रिडक्स का। अब लेकिन अपना दिमाग उसको क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पाता, ये आप जैसे जैसे कोडिंग करेंगे मेरे साथ वैसे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर समझने वाली होती हैं। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे सबसे पहले जो वीट प्रोजेक्ट के साथ अपन इसका सेटअप करेंगे, तो npm क्रिएट वीट एट द रेट लेटेस्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो ये थोड़ा सा इंतजार लेंगे, वीट प्रोजेक्ट और यहाँ पे रिएक्ट के साथ जावा स्क्रिप्ट और cd वीट प्रोजेक्ट और npm i, थोड़ा सा समय लेगा, इसको समय देते हैं अपन। और इसके बाद अपने को करना है npm run dev, ठीक है। आज अपन किसी भी फ्रंट एंड मतलब जो css की लाइब्रेरी होती है उसका यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट अपन अपना कोड यहाँ पे करेंगे। ये थोड़ा समय ले रहा है लेकिन इसको समय देते हैं अपन, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें अपने को इंस्टॉल करनी है इसके अंदर। पहले इसके जो जितने भी इसके प्री डिफाइंड चीज़ें हैं उन सब का इंस्टॉल होने का अपन इसको मौका देते हैं। तब तक मैं एक काम करता हूँ, इसके अंदर जो index.css है ना इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, और इसकी जगह पे मैं, मेरे पास index.css के लिए कोड है, उस कोड को मैं क्या करना चाहता हूँ, अप्लाई करना चाहता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से इस कोड को लेके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो मेरे पास index.css के लिए कुछ कोड था, मैंने उस कोड को यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। और यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें पैकेज इंस्टॉल करना चाहूँगा, सबसे पहले npm react और अपना राउटर डोम, तो अपना हो गया npm react राउटर डोम। उसके बाद अपना आता है रिएक्ट रिडक्स, तीसरा अपना आता है रिडक्स जेएस टूलकिट। तो रिडक्स जेएस टूलकिट को अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, अगर गेट स्टार्टेड पे आप जाओगे इंस्टॉलेशन के अंदर तो npm इंस्टॉल यहाँ पे रिडक्स जेएस टूलकिट आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आके इस जगह पे रिएक्ट रिडक्स के बाद अपना रिडक्स जेएस टूलकिट, तो अपने पास रिएक्ट राउटर डॉम, रिएक्ट रिडक्स और रिडक्स जेएस टूलकिट। जब भी आप रिडक्स जेएस की टूलकिट के साथ काम करते हैं तो रिएक्ट रिडक्स आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, ये इसके साथ मैंडेटरी कंडीशन, आप इसको समझ के चलिए कि ये कंपलसरी कंडीशन इसके अंदर आपको मिल जाती है, ठीक है। इसके बाद आपको कर देना है npm run dev, क्योंकि उसके जो फंक्शन है ना कुछ फंक्शन अपने रिएक्ट रिडक्स में से आते हैं, सिर्फ इसी पर्पज से अपने को क्या करना पड़ता है, रिएक्ट रिडक्स को इंस्टॉल करना होता है। तो इस तरीके से अपना जो पेज है वो अभी दिखाई दे रहा है। तो अभी यहाँ से अपन index.css की फाइल को बंद करते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे जो app.jsx है इसके अंदर यहाँ से कोड हटाएंगे, बेसिक जो कोड है वो अपन यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना बेसिक सेटअप अपना रिएक्ट जेएस का।
अब बात करते हैं यहाँ पे कि अपने को किस तरीके से यूज करना है। अपन यहाँ पे क्या करेंगे, एक यहाँ पे एक फेक स्टोर एपीआई नाम से, फेक स्टोर एपीआई इस तरीके से यहाँ पे एक वेबसाइट होती है, इस वेबसाइट पे प्रोडक्ट का डेटा मिल जाता है। थोड़ा सा नीचे आओगे ना तो यहाँ पे इस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करोगे, ये वाला डेटा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसी यूआरएल को क्या करना है, अपने को फैच करना है, और इसके अंदर फैच करने के बाद अपने को क्या करना है, अपनी स्टेट को मैनेज करते हुए अपने जो ई कॉमर्स का जो प्रोजेक्ट होता है वो अपने को क्रिएट करना है। ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर जो कार्ट वाला पेज होता है ना, उसी कार्ट वाले पेज को अपने को क्रिएट करना है। तो किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले अपन यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ राउटर का सेटअप कर देता हूँ। तो राउटिंग के सेटिंग के लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले जाऊँगा मेन डॉट जे एस एक्स में, यहाँ पे क्या कर दूंगा इम्पोर्ट, और यहाँ पे मुझे चाहिए ब्राउजर राउटर। ये मुझे यहाँ से इस तरीके से सजेशन नहीं दे रहा है, लेकिन अभी ये सजेशन देगा ब्राउजर राउटर। जैसे ही मैं लिखूंगा यहाँ पे सजेशन आ चुका है। अब इसके बाद मुझे इस ब्राउजर राउटर को इस तरीके से लिख देना है, और इस तरीके से लिखने के बाद अपना जो है यहाँ पे ये सेटअप हो चुका है। अब जाते हैं एप डॉट जे एस एक्स में, यहाँ से इस डिब को हटाता हूँ मैं, और डिब की जगह मैं क्या कर दूंगा, अपना एक फ्रेगमेंट टैग लगा दूंगा, और यहाँ पे कुछ चीज़ों को मुझे इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, और इस समथिंग के अंदर क्या क्या ले लेंगे, समथिंग के अंदर ले लेंगे आप राउट्स, यहाँ पे राउट्स, और यहाँ पे अपना रूट, ये दोनों चीज़ें अपने को यहाँ पे लेनी है। एक अपने को राउट्स लेना है, दूसरा अपने को रूट लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहले राउट्स को यहाँ पर लिख दोगे आप यहाँ पर रूट्स, और रूट्स के अंदर आपको क्या करना है, रूट को लिखना है। तो आप यहाँ पे रूट को लिख दोगे, और यहाँ पे इस तरीके से आप इसको सेल्फ क्लोजिंग बना दोगे, और यहाँ पे पाथ आपने इस तरीके से देना है। होम पेज पे आपको क्या करना है, किसी होम कंपोनेंट को दिखाना है। तो यहाँ पे दो रूट अपन बनाएंगे, एक बनाएंगे होम वाला, दूसरा बनाएंगे अपना, एक बनाएंगे कार्ट पेज। इसके ऊपर होम के ऊपर अपन मतलब जितने भी प्रोडक्ट हैं उन सभी प्रोडक्ट को शो कराएंगे, और कार्ट के ऊपर अपन क्या कराएंगे, उस पेज को चेक करेंगे कि कौन कौन से प्रोडक्ट अपन ने कार्ट के अंदर डाले हैं। तो एक काम करता हूं मैं, यहां पे जो अपना सोर्स नाम का फोल्डर है इसी के अंदर मैं यहां पे राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर क्रिएट कर लूंगा, और इसका मैं नाम दे दूंगा पेजेस, और इस पेजेस के अंदर सबसे पहली जो फाइल होगी वो अपनी होगी होम डॉट जे एस एक्स, दूसरी अपनी जो फाइल होगी यहाँ पे पेजेस के अंदर उसको आप नाम दे देंगे यहाँ पे कार्ट डॉट जे एस एक्स, और होम डॉट जे एस एक्स के अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको आर एफ सी और कार्ड डॉट जे एस एक्स के अंदर भी ये चीज़ आपको करनी है बेसिक सेटअप। ऐप डॉट जे एस एक्स में जाएंगे, यहाँ पे एलिमेंट वाले सेक्शन के अंदर आपको क्या करना है, इस तरीके से होम आपको ले लेना है। ठीक, बिल्कुल इसी तरीके से आपको क्या करना है, एलिमेंट वाले सेक्शन के अंदर जाना है, यहाँ पर आपको जो कार्ट का पेज है वो आपको यहाँ पे सेट कर लेना है। तो यहाँ पे कार्ट का पेज ऑटोमेटिक इंपोर्ट नहीं हुआ, अभी हो गया। अभी क्या करना है, अपने को नैप बार करना है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक सोर्स के अंदर ही एक नया फोल्डर मैं क्रिएट कर लेता हूँ, जिसका मैं यहाँ पे नाम देता हूँ कंपोनेंट। इस कंपोनेंट के अंदर जो नई फाइल क्रिएट करूँगा उसका मैं नाम दे दूँगा यहाँ पे नैप बार डॉट जे एस एक्स, और इसके अंदर बेसिक सेटअप आर ए एफ सी ई, और इसके बाद मुझे यहाँ पे ऐप डॉट जे एस एक्स में नैप बार को क्या है ना, दोनों को प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पे नैप बार और इस तरीके से इसको मैं कर दूंगा, ठीक है। तो अपन अगर अभी यहाँ पे जाएंगे अपने इसके ऊपर, मैं इसको रीलोड करूँगा, तो आप यहाँ पे देखना कि यहाँ पे होम पेज पे नैप बार आना चाहिए था अपना, नैप बार पाथ, और क्या गड़बड़ हुआ है, एक बार एक राइट क्लिक करता हूँ मैं इसको, इंस्पेक्ट कंसोल, और यहाँ पे ऊपर देखते हैं, नैप बार इज नॉट अ रूट कंपोनेंट, ऑल कंपोनेंट चिल्ड्रन इज अ रूट्स मस्ट बी अ रूट और रिएक्ट फ्रेगमेंट। अच्छा, इसके अंदर कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, नैप बार इज नॉट अ रूट कंपोनेंट। तो यहाँ पे नैप बार क्या है ना, अपने को इसके ऊपर पास करना है, इसके नीचे नहीं करना था, इसके ऊपर करना था। तो अभी अगर आप जाओगे, और मैं पहले तो मैं इसको रीलोड करता हूँ, सारी एरर जा चुकी हैं, और यहाँ पे नैप बार का कंपोनेंट और होम पेज अपने को यहाँ पे इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब नैप बार को थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं। अगर आप नैप बार के यहाँ पे जाओगे तो इसके अंदर थोड़ी सी स्टाइलिंग अपने को परफॉर्म करनी है। तो नैप बार के अंदर सबसे पहले इस डिप के अंदर आपको क्या करना है, इस डिप को आप इस तरीके से करते हो,
और यहाँ पे एक मैं यहाँ पे डिव एक और डिव लेता हूँ। इस डिव के अंदर मैं क्या करता हूँ, कुछ यहाँ पे लिंक लेता हूँ, यहाँ पे लिंक जो रिएक्ट राउटर डोम से मुझे मिल जाएंगी, तो इस लिंक को लूँगा ये, और यहाँ पे मैं एक लिंक और लूँगा, तो यहाँ पे मुझे जो चाहिए वो क्या हो जाएगा, वो अपना हो जाएगा होम कंपोनेंट, और दूसरा अपना जो हो जाएगा वो अपना हो जाएगा कार्ट कंपोनेंट। और यहाँ पे टू पर ऑफ पास कर देंगे, और यहाँ पे इस तरीके से ये जाएगा होम पेज पे, दूसरा अपना जो टू है वो अपना जाएगा कार्ट वाले पेज पे। ठीक है, तो ये दोनों लिंक तो आपको समझ में आ गई होंगी। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे एक अपन दे देते हैं स्पेन टैग, स्पेन टैग, स्पेन टैग के अंदर मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, यहाँ पे जो आइटम्स हैं या फिर कार्ट आइटम बोल सकते हैं, या फिर इसको आइटम ही बोल देता हूँ मैं, आइटम्स। और आइटम्स के अंदर अभी बाई डिफॉल्ट मैं यहाँ पे हार्ड कोड कर रहा हूँ, फिर इसको अपन जो है रिडक्स के माध्यम से इसको अपडेट करेंगे। ठीक है, तो अभी अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा, होम कार्ट और आइटम्स। और लिंक का क्या है ना, यहाँ पे लिंक लगाने की वजह से वहाँ पे अंडरलाइन दिखाई दे रही है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ थोड़ा सा स्टाइल देता हूँ इनको। अगर मैं क्लास नेम इनको नैब लिंक में दे देता हूँ इसको भी, और यहाँ से उठा के मैं इसको भी ये चीज़ दे देता हूँ, तो अभी देखते हैं कैसा दिखाई दे रहा है। तो अभी कुछ इस प्रकार से अपने को देखने के लिए मिल रहा होम कार्ट और आइटम्स। तो इसके अंदर थोड़ा सा स्टाइलिंग और परफॉर्म करता हूँ मैं, ये वाला जो डिप है ना, इस डिप के अंदर मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा स्टाइलिंग यहाँ पे देता हूँ। इस स्टाइलिंग के अंदर मुझे यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे इसको डिस्प्ले करना है, और डिस्प्ले में कर देता हूँ इसको फ्लैक्स। इसके बाद मैं इसको क्या कर दूंगा, अलाइन आइटम्स, और अलाइन आइटम्स में इसको कर दूंगा सेंटर। इसके बाद मुझे यहाँ पे इसको करना है जस्टिफाई कंटेंट, और जस्टिफाई कंटेंट में यहाँ पे कर दूंगा स्पेस बिटवीन। तो अगर मैं इस तरीके से करूँगा, इसके बाद अगर मैं जाऊँगा तो यहाँ पे, अच्छा अभी नहीं है ना, एक काम करते हैं यहाँ पे कोई एक एलिमेंट मैं और ले लेता हूँ, तो यहाँ पे एक स्पेन टैग ले लूँगा, और इस स्पेन टैग के अंदर यहाँ पे लिख दूंगा रिडक्स ट्यूटोरियल। तो अगर इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो रिडक्स ट्यूटोरियल आपको इस साइड देखने के लिए मिल जाएगा, होम और कार्ट आइटम्स आपको इस तरीके से देखने के लिए मिल जाएंगे। अब जो है ना, कार्ट और आइटम के बीच में थोड़ा सा भी स्पेस नहीं है, तो यहाँ पे स्पेस देने के लिए जो क्लास नेम दिया था ना, इसी जगह पे मैं इसको इसको नहीं देना है, जो कार्ट वाला है इसको देते हैं, इसको मैं स्टाइलिंग देता हूँ। और स्टाइलिंग के अंदर मैं क्या दूंगा, इसको मुझे देना है मार्जिन राइट से, और मार्जिन राइट से मैं कितना दे देता हूँ, 5 पिक्सल दे देता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे, तो अभी थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस आ गया, एक काम करता हूँ इनका जो फॉन्ट वेट है ना, इनको थोड़ा सा स्टाइल करेंगे, और स्टाइल के दौरान इसको फॉन्ट वेट इसका जो था वो मैं यहाँ पे दे देता हूँ बोल्डर। ठीक है, ये वाला उठा के मैं दे दूंगा इसको, एक काम करता हूँ, एक यहाँ पे इसको भी मुझे यही चीज़ देनी है, तो मैं इसको फॉन्ट वेट, और यहाँ पे मुझे बोल्डर इसको भी देना है। तो अभी आप देखोगे तो होम कार्ट और आइटम्स, आइटम्स को भी दे देते हैं, एक काम करते हैं मैं एक स्टाइल यहाँ से इसको उठा लूँगा, और जो स्पेन टैग था ना, इस स्पेन टैग को भी यहाँ पे दे दूंगा। तो कुछ इस प्रकार से होम कार्ट और आइटम्स अपना देखने के लिए मिल रहा है। 5 पिक्सल थोड़ा सा कम है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ, 7 पिक्सल इसको कर देता हूँ। ठीक है, अभी एक होम है, कार्ट है, और आइटम्स है, इस प्रकार से अपने को दिखाई दे रहा है। अभी अपने को यहाँ पे क्या करना है, जो प्रोडक्ट था ना उस पूरे प्रोडक्ट को अपने को यहाँ पे शो कराना है। तो अपन जाते हैं होम पेज के अंदर, और होम पेज के अंदर मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, होम पेज के अंदर मुझे यहाँ पे सारे प्रोडक्ट को यहाँ पे शो कराना है। तो प्रोडक्ट को शो कराने के लिए अपन यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोडक्ट को शो कराना एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा ईजी है। सबसे पहले यहाँ पे आपको दो चीज़ें लेनी है, सबसे पहले यहाँ पे अपन लेंगे यूज स्टेट को, दूसरा अपन यहाँ पे लेंगे यूज इफेक्ट को, दो चीज़ों को अपन यहाँ पे ले लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे कॉन्स्ट प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे सेट प्रोडक्ट नाम से यहाँ पे आपको कर देना, सेट प्रोडक्ट या सेट प्रोडक्ट जो भी आपको सही लगे। इसके बाद मैं यहाँ पे यूज स्टेट, और इस यूज स्टेट के अंदर आपको क्या करना है, एक एम्प्टी एरे पास कर देना है, क्योंकि
अपने पास जो पूरा डेटा आएगा ना वो एरे के फॉर्म में ही आएगा, तो इसलिए आपने यहाँ पे एम्प्टी एरे को पास कर दिया। अब यहाँ पे आप क्या करते हैं, यूज इफेक्ट का यूज करता हूँ मैं यहाँ पे, तो यूज यहाँ पे इसको यूज को यूज इफेक्ट और इसको इस तरीके से आपको कर देना, ठीक है। तो इस तरीके से करने के बाद इसके अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे कॉन्स्ट फैच प्रोडक्ट, यहाँ पे आपको एपीआई को कॉल करना है, तो यहाँ पे फैच प्रोडक्ट इक्वल टू आप इसको बना सकते हैं एसिंक्रोनस फंक्शन, आप नॉर्मल फंक्शन भी बना सकते हैं और एसिंक्रोनस फंक्शन भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इक्वल टू अवेट, फैच मेथड का यूज करेंगे अपन यहाँ पे, और फैच मेथड के अंदर जो यूआरएल था ना, इस यूआरएल को मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा, और यहाँ पे जाके आप इसको पेस्ट कर देंगे, तो https फेक स्टोर एपीआई, और इस तरीके से आपने यहाँ पे कर दिया। अब अवेट कीवर्ड लगाया है तो रिस्पॉन्स आएगा, इसके बाद कॉन्स डेटा इक्वल टू अवेट कीवर्ड, जो रिस्पॉन्स आएगा उसको आपको जेसन फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसके मतलब रिस्पॉन्स डॉट रिस्पॉन्स को जेसन से कन्वर्ट करना पड़ेगा, clg या तो आप कंसोल डॉट लॉक कर दीजिए या फिर आप डायरेक्ट जो है ना अपना सेट प्रोडक्ट इसके अंदर आप क्या कर दीजिए, इस डेटा को आप डाल दीजिए, ठीक है। तो इस डेटा को जब आप डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, इस जो प्रोडक्ट नाम की वेरिएबल है जो यूज स्टेट की मदद से बनाया गया है, इसके अंदर डेटा आ जाएगा। ये चीज़ तो आपको समझ में आ जानी चाहिए, रिडक्स आप रिडक्स तक पहुँच गए हो और आपको यूज स्टेट नहीं आती, थोड़ा सा गड़बड़ है ना काम फिर, तो आपको आनी चाहिए वो चीज़, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इस प्रोडक्ट के ऊपर मैप फंक्शन को अप्लाई करना है, तो आपने यहाँ पर लगाया प्रोडक्ट के ऊपर आपने लगाया मैप फंक्शन, और मैप फंक्शन को आपने इस तरीके से अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, जितने भी प्रोडक्ट हैं उनको अपन यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर यहाँ से ले लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पे आपको देना है एक डिव, इस डिव के अंदर अपने को क्या करना है, सबसे पहले आपको इमेज शो करानी है, तो मैं यहाँ पे दूंगा इमेज, और पहले तो मैं क्या करता हूँ इसको थोड़ा सा स्टाइल नेम दे देता हूँ, क्लास नेम, और मैं क्लास नेम इसका देता हूँ कार्ट, और इसके अंदर की मैं इसके अंदर पास कर देता हूँ प्रोडक्ट डॉट आईडी, और इमेज जो है इसके अंदर एसआरसी के अंदर मैं क्या पास करता हूँ, जो प्रोडक्ट आएगा ना इस प्रोडक्ट के अंदर है इमेज, तो इस इमेज को पास करते हैं अल्ट नाम से, यहाँ पर इमेज पास कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे आप दे दोगे H4 दे देता हूँ मैं, और H4 के अंदर आपको क्या करना है, जो प्रोडक्ट का जो टाइटल है इस टाइटल को शो कराना है। इसके बाद H5 दे देते हैं, H5 के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर जो प्राइस है ना उस प्राइस को मैं यहाँ पे शो कराता हूँ। अब इसके अगर टाइप स्क्रिप्ट अपन यहाँ पर यूज कर रहे होते ना जावा स्क्रिप्ट की जगह पर, तो जावा मतलब जो टाइप स्क्रिप्ट होती है उसके अंदर आपको बेनिफिट क्या हो जाता है कि जब आप किसी भी एपीआई को कॉल करते हो तो कॉल करने के बाद उसके अंदर उस ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी मतलब उसके अंदर डेटा है, तो वो डेटा जैसे ही आप डॉट लिखते हो तो डॉट लिखते वो ऑटोमेटिक सजेशन दे देता है, लेकिन जावा स्क्रिप्ट के अंदर ऐसा नहीं होता है क्योंकि जावा स्क्रिप्ट उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता है। अब जो बटन है, बटन के अंदर आप दे दो तो यहाँ पे ऐड टू कार्ट, और इस बटन को थोड़ा सा स्टाइल करने के लिए अपन यहाँ पे क्या करेंगे, इसका क्लास नेम दे देंगे और क्लास नेम दे देंगे इसका btn। तो अगर आप यहाँ पे जाओगे, मैं इसको रीलोड करता हूँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, इंस्पेक्ट पे चलते हैं, कंसोल के अंदर आए हैं, और यहाँ पे प्रोडक्ट्स डॉट मैप, और इसके अंदर आपने सेट प्रोडक्ट के अंदर मैंने यहाँ पे डेटा को डाल दिया। अब ये जो डेटा है अपना वो आ क्यों नहीं रहा है, इस चीज़ को अपन यहाँ से चेक करते हैं कि क्या गड़बड़ हो रही है। ओके, मैंने यहाँ पे क्या किया है, इस फैच प्रोडक्ट को मैंने यहाँ पे कॉल ही नहीं किया है, तो ये डेटा आएगा कैसे, जब तक आप कॉल नहीं करोगे जब तक वो नहीं आएगा। तो अभी यहाँ पर सारी चीज़ें बिल्कुल सही तरीके से दिखाई दे रही हैं, बस एक काम गड़बड़ हो चुका है कि ये पूरा डेटा जो है वो इस फॉर्म में दिखाई दे रहा है, मतलब अपने को क्या चाहिए था, ये इस तरीके से दिखाई दे, मतलब जो हॉरिजॉन्टल वे में उसमें दिखाई देना चाहिए था,
लेकिन अपना देख कैसा रहा है, ये अपना दिख रहा है वर्टिकल वे। मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ प्रोडक्ट्स रैपर। तो जैसे ही मैं इसको नाम दूंगा तो अब अगर यहाँ पे जाओगे आप तो इस तरीके से आपको ये वाला डेटा कुछ इस फॉर्म में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो ये डेटा तो आपको इस तरीके से मिल चुका है। अभी अपने को क्या करना है, अब अपने को यहाँ पे रिडक्स को समझना है कि रिडक्स अपना किस तरीके से अप्लाई होगा। तो रिडक्स अपना कहाँ पे अप्लाई होगा, सबसे पहले इस बात को समझते हैं। तो जैसे ही आपको यहाँ पे ऐड टू कार्ट के ऊपर क्लिक करना है ना, वैसे ही अपना क्या होना चाहिए, यहाँ पे आइटम्स पे जो वैल्यू है वो अपनी चेंज होनी चाहिए। तो एक्चुअल में रिडक्स का यूज यहाँ पे क्यों करना है, सवाल आना चाहिए ना मन के अंदर कि ये वाले मतलब रिडक्स का यूज करना क्यों है। देखो, रिडक्स का यूज आपको उस जगह पे करना होता है जिस जगह पे आपको मल्टीपल मल्टीपल जगह पे, जैसे आपका जो होम है, यहाँ पे होम पे आपको क्या करना है, प्रोडक्ट को इस जगह पे आपको शो कराना है, मतलब प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं, नेम बार के अंदर, नेम बार के अंदर यहाँ पे आइटम्स है, आइटम्स के अंदर यहाँ पे मैंने हार्ड कोड किया हुआ है 0। तो अब जो डेटा है वो कहाँ पे, यहाँ पे इस जगह पे क्या होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए। अब क्लिक किसके क्लिक से होना है, अब किसके यहाँ पे ऐड टू कार्ट के क्लिक किससे होना है। तो अब ऐड टू कार्ट कहाँ है, ऐड टू कार्ट आपको देखने के लिए मिल रहा है इस जगह पे, कहाँ पे, होम पेज के अंदर। तो अब जो यूज स्टेट जो बनेगी, मतलब जो स्टेट बनेगी, वो स्टेट कहाँ पे बनेगी, होम पेज के अंदर। अब अगर आपने होम पेज के अंदर अगर आपने स्टेट बनाई तो आप क्या करोगे, एज अ प्रॉप आप उसको नैप बार के अंदर पास करोगे, फिर नैप बार के अंदर जाके उसको आप यूज करोगे। ठीक है, तो अगर ऐसे मान के चलो यहाँ पे 10 जगह आपको यूज करना होगा। मैंने ई कॉमर्स वेबसाइट बनवाई है, उसके अंदर मैंने बताया किस तरीके से कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज करके करना है। उससे पहले भी मैंने 5 प्रोजेक्ट बनवा चुका हूँ अपने चैनल पे, जिसके अंदर मैंने कॉन्टेक्स्ट एपीआई का बहुत अच्छे से यूज करके बताया था। तो अब जो कॉन्टेक्स्ट एपीआई का जब आपने यूज किया था मेरे साथ, तब आपने इस चीज़ को समझा होगा कि मैं क्या कर रहा था। पहले कहीं पर एक फाइल बनाता था जहाँ पर कॉन्टेक्स्ट एपीआई को जनरेट किया गया है, फिर उसको आप क्या करते थे, बार बार अलग अलग जगह पे कॉल करते थे और वहाँ पे फिर आप जाके उसके अंदर डेटा को अपडेट बार बार आप किया करते थे। तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई भी एक तरीका है स्टेट को मैनेज करने का। लेकिन रिडक्स क्यों इतना ज़्यादा यूजफुल माना जाता है, क्यों इसका यूज किया जाना चाहिए। तो रिडक्स क्या करता है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई को आपको जितनी बार आपको जितनी स्टेट क्रिएट करनी है, आप हर बार क्या करोगे, उसको आप दोबारा से बार बार आप बनाओगे। पहले आप एक के लिए अलग बनाओगे, दूसरे के लिए अलग बनाओगे। जैसे मैंने ई कॉमर्स वेबसाइट जब बनाई थी तो उसमें जो कार्ड का पेज था उसके लिए अलग बनाई थी, जो यूजर की ऑथराइजेशन थी उसके लिए अलग बनाई थी मैंने। तो मैंने दो के लिए अलग, दो जो कॉन्टेक्स्ट एपीआई थी, दो कॉन्टेक्स्ट एपीआई मैंने ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर क्रिएट की थी। तो अब वो मुझे दो करनी पड़ी अलग से, क्योंकि मुझे कॉन्टेक्स्ट एपीआई के साथ काम कर रहा था। अगर मैं तभी उसी समय अगर मैं रिडक्स का यूज कर रहा होता तो मुझे मल्टीपल स्टेट को क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। मैं केवल स्टेट एक बनाऊँगा, एक स्टोरेज बना दूंगा, उस स्टोरेज के अंदर जितनी भी स्टेट बनाऊंगा, मतलब स्टेट यहाँ पे बनेंगी लेकिन एक स्टोरेज के अंदर सारी स्टेट को मैं स्टोर कर दूंगा। अब वहाँ से मुझे जिस जो भी मुझे चाहिए होगी स्टेट, उस स्टेट को मैं निकाल लूंगा। ये इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है रिडक्स का, इसी को मैं यहाँ पे अब आपको डिटेल में समझाता हूँ कि किस तरीके से इसके अंदर काम किया जाता है और रिडक्स के अंदर एक्चुअल में इम्प्लीमेंट किस तरीके से करना होता है। आपने सारे पैकेज को जो है वो इंस्टॉल कर ही लिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं सोर्स के अंदर एक नया फोल्डर क्रिएट करता हूँ जिसका मैं यहाँ पे नाम दूंगा रिडक्स। अब इस रिडक्स नाम के फोल्डर के अंदर जो सबसे पहली फाइल होगी वो अपनी क्या क्या होगी, वो अपनी हो जाएगी कार्ट स्लाइस डॉट जेएसएक्स। अब ये स्लाइस जो यहाँ पे दिया हुआ है ना, उसका मेरा एक प्रॉपर मतलब है उसको देने के पीछे। मतलब क्या है, मतलब बहुत ही सिंपल सा है, क्योंकि जब आप रिडक्स जीएस टूलकिट के साथ आप जब आप काम करते हो तो उसके अंदर आपको प्री डिफाइन बहुत सारे फंक्शन मिलते हैं जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, स्टेट को म्यूटेट कर सकते हो। म्यूटेट मतलब चेंज कर सकते हो, जब आपको दिल चाहे तब आप उसको चेंज कर सकते हो। आप देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, इम्पोर्ट करना है समथिंग फ्रॉम रिडक्स जेएस टूलकिट, रिडक्स जेएस टूलकिट। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, क्रिएट स्लाइस नाम से एक फंक्शन होता है, आप यहाँ पे क्रिएट लिखोगे और एस, यहाँ पे क्रिएट स्लाइस नाम से एक फंक्शन होता है जिस फंक्शन को आपको इंपोर्ट करना है। अब ये चीज कई लोगों को डिफिकल्ट, केवल इसी पॉइंट से डिफिकल्ट लगना शुरू हो जाता है, क्यों हो जाता है पहले मुझे ये बताओ। कोई भी इसके अंदर डिफिकल्टी नहीं है, आपने इससे पहले भी कई बार कितनी जगह पर ना जाने कितने फंक्शन को आपने इम्पोर्ट किया होगा रिएक्ट जेएस के अंदर। क्रिएट स्लाइस भी सिर्फ एक फंक्शन ही तो है, उसके अंदर क्या अलग हो जाता है, नॉर्मल एक फंक्शन है।
आपने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाना है कार्ट स्लाइस नाम से। मैंने यहाँ पे मैंने इस नाम से एक फंक्शन बना दिया, मतलब एक वेरिएबल बनाया है। अब इसके इक्वल में मैं क्या कर रहा हूँ, क्रिएट स्लाइस नाम का फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। अब जब मुझे बताइए, आपने अगर कभी बैकएंड के अंदर MongoDB के साथ काम किया है तो वहाँ पे आपने स्कीमा बनाए होंगे, तो स्कीमा बनाना आपको डिफिकल्ट लगता है क्या? इतना ज़्यादा डिफिकल्ट तो लगता नहीं है ना। तो रिडक्स कैसे हो गया, एक फंक्शन ही तो है क्रिएट स्लाइस, उस फंक्शन के अंदर आप ऑब्जेक्ट पास कर रहे हो, इसमें डिफिकल्टी है कहाँ पहले मुझे बताओ। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अभी मैं बीट प्रोजेक्ट को बंद कर देता हूँ, इसके नीचे मैं क्या करता हूँ, एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ सिर्फ index.js। इसके अंदर आप मुझे बताओ कि मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया ए नाम से, ठीक है, इसके अंदर मैं क्या करना चाहता हूँ, ऑब्जेक्ट पास करना चाहता हूँ। इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक वैल्यू है नेम, और नेम के अंदर है सागर, इसके अंदर दूसरा है बोट, और बोट को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक फंक्शन क्रिएट कर दिया इस तरीके से। अब जब मैंने इस फंक्शन को क्रिएट कर दिया, बोट के अंदर मैंने यहाँ पे दो आर्गुमेंट यहाँ पे ले लिए, चलो एक मैंने यहाँ पे एक कोई स्टेट ना ले लिए, और दूसरा यहाँ पे कोई और वैल्यू ले लिए, मतलब एक दूसरी कोई वैल्यू ले लिए। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्टेट प्लस टू कर दूंगा, और यहाँ पे वैल्यू प्लस टू कर दूंगा, ठीक। ये चीज़ मैंने यहाँ पे, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट के अंदर इस तरीके का कोड अगर मैं लिखता हूँ तो आपको ऐसा जरा भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ अलग लिखा है मैंने? अगर मुझे यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करना होगा बोट वाले को, और यहाँ पे क्या करता हूँ, रिटर्न कर देता हूँ, रिटर्न मैं यहाँ पे स्टेट को रिटर्न कर दे रहा हूँ। यहाँ पे एक काम करता हूँ, एक ही आर्गूमेंट ले रहा हूँ अभी इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, स्टेट को मैंने यहाँ पे रिटर्न कर दिया। तो अभी आप देखना कि अगर मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, clg console.log, ए के अंदर जो बोट है इसको मैं कॉल कर रहा हूँ, इसके अंदर वैल्यू पास कर रहा हूँ 3। अब मैंने यहाँ पे 3 वैल्यू पास कर दी है। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, एक को नया टर्मिनल खोलता हूँ, और यहाँ पे नोड और index.js, अगर मैं इसको चला रहा हूँ, वैल्यू यहाँ पे देखो 3 आ चुकी है। मैंने ए के अंदर बोट यहाँ पे रिटर्न किया, अच्छा मैंने यहाँ पे इस तरीके से कर दिया स्टेट को, मैं यहाँ पे रिटर्न करता हूँ रिटर्न स्टेट प्लस 2। अभी अगर मैं इसको चलाऊँगा नोड index.js, आप यहाँ पे देखो 5 वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल चुकी है। तो इसमें क्या ऐसा अलग हो गया कि जो आपको यहाँ पे डिफ़िकल्टी यहाँ पे दिखा रही है? एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन है, उस फंक्शन को आपने कॉल किया, उसके अंदर कोई वैल्यू डाली, वो वैल्यू के ऊपर प्रॉपर कोई एक्शन परफॉर्म किया गया, उस एक्शन के बाद आपको एक रिजल्ट निकाल के दे दिया गया। यही तो काम होता है ना, आपको फंक्शन के अंदर आप कोई भी चीज़ पास करते हो तो उसके अंदर कोई एक्शन परफॉर्म होता है, उसके बाद आपको एक रिजल्ट मिल जाता है। इतना छोटा काम होता है किसी भी फंक्शन के अंदर आप जब काम करते हो। यही सेम काम आपका रिडक्स के अंदर किया जाता है। मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ, यहाँ पे इस तरीके से कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ क्या होता है। सबसे पहले आपने यहाँ पे एक नेम पास करना है, जैसे वहाँ पे मैंने आपको करके दिखाया, मैंने यहाँ पे पास कर दिया इसका नेम, कि इसका नेम है कार्ट, ठीक। इसके बाद जैसे वहाँ पे स्टेट था, यहाँ पे इनिशियल स्टेट एक कंपलसरी है। अब इनिशियल स्टेट के अंदर मैंने पास कर दिया कि एक एम्प्टी एरे है, तो इनिशियल स्टेट के अंदर अब आप ये बताते हो कि ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, कि एरे है। जैसे मैंने यहाँ पे index.js की बात करूँ, यहाँ पे मैंने बताया कि स्टेट आएगी, उस स्टेट को मुझे इस तरीके से करना है। तो यहाँ पे कार्ट स्लाइस के अंदर आप इनिशियल स्टेट के माध्यम से उसको इन्फॉर्मेशन देते हो कि शुरुआती स्टेट क्या होगी, आप उसको बता रहे हो शुरुआती स्टेट क्या होगी। इसके बाद आप क्या करते हो, यहाँ पे रिड्यूसर्स देते हो आप। रिड्यूसर्स क्या है, रिड्यूसर्स ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर रिड्यूसर्स क्या है, ऑब्जेक्ट है। यहाँ से लोगों को डिफिकल्टी होना शुरू हो जाता है। अब इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करना, अपने माइंड को थोड़ा इमेजिनेशन खोल देना है। यहाँ से अगर इमेजिनेशन को खोल दोगे ना तो बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। रिड्यूसर्स यहाँ पे क्या करता है, कुछ फंक्शन को लेता है, जैसे यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट बनाया था ए नाम का, इसके अंदर जैसे नेम नाम की वैल्यू, उसके फिर बोट नाम का फंक्शन आपने इस तरीके से यहाँ पे डिफाइन कर दिया था, है ना। अब यहाँ पे कार्ट स्लाइस के अंदर जो रिड्यूसर्स है वो एक ऑब्जेक्ट है। अब अगर इसके अंदर मैं जो यहाँ पे कोई फंक्शन बनाना है, जैसे मुझे ऐड नाम का फंक्शन बनाना है, तो जो ऐड नाम का फंक्शन क्या करेगा, दो आर्गूमेंट बाई डिफॉल्ट लेता है, एक तो स्टेट लेता है, दूसरा ये क्या लेता है, एक्शन लेता है। अब इसके पास ये दोनों, इनका दोनों का प्रीडिफाइन मतलब है, इनका दोनों का प्रीडिफाइन मतलब वहां पे पहले से सेट है, और ये दोनों चीजें वहां पे आपको मिल जाती हैं। अब स्टेट के अंदर आप क्या करते हो, स्टेट के अंदर आपने बोला कि पुश करना है मुझे, किस चीज को करना है, action.payload। अब इस जगह पे कंफ्यूजन शुरू हो सकती है कि action.payload क्या होता है।
जब भी आप इस फंक्शन को कॉल करोगे, ऐड फंक्शन को आप जब कॉल करोगे उसके अंदर जो वैल्यू पास करते हो वो वैल्यू अपनी पॉप पेलोड के अंदर आती है। यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, अपने लिए सब सुविधा कर दी है, जो डेवलपर है उसके लिए आसानी कर दी है कि आप उसके अंदर जो भी वैल्यू दोगे वो वैल्यू में पर्टिकुलर एक्शन नाम के वैल्यू के अंदर डाल दूंगा। जो वैल्यू वहां से आएगी उसके अंदर वो एक्शन से मतलब एक्शन नाम के वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू अपनी चली जाएगी, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर दो चीजें होती हैं, पेलोड और टाइप। टाइप इसके अंदर बाय डिफॉल्ट उन्होंने बोल दिया कि स्ट्रिंग ही रहेगा। अब पेलोड इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, पेलोड का कोई भी टाइप यहाँ पे डिफाइन नहीं है। तो आप जो भी पास करते हो तो वो पेलोड के अंदर जाता है, और पेलोड के अंदर जब वो जाता है तो वहां से आपको क्या मिल जाता है, इस वो चीज आपने यहाँ पे अप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, स्टेट को चेंज कर दिया। इनिशियल स्टेट है, स्टेट के अंदर क्या होता है, ये जो स्टेट नाम का वेरिएबल आपने यहाँ पे देखा है इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे देखो स्टेट नेबर और यहाँ पे एरे लिखा हुआ है। तो इसका मतलब आप समझ जाओगे इसके अंदर, इसके अंदर आप जो भी पास करते हो इनिशियल स्टेट के अंदर, इस इनिशियल स्टेट के अंदर आप जो भी पास करोगे वो यहाँ पे स्टेट नाम के वेरिएबल के अंदर चला जाएगा। इतना सिंपल सा अपना कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। ऐड वाला हो गया, इसी तरीके से अपना रहेगा रिमूव वाला, कि आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ऐड कार्ट के अंदर प्रोडक्ट डालना पड़ेगा, उसके अंदर उसमें से फिर निकालना पड़ेगा। इसके अंदर भी दो चीजें हैं, स्टेट और एक्शन, ठीक है। और तो यहाँ पे कोई ना कोई स्टेट इसको मिल जाएगी। इसके बाद इसको मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न, और यहाँ पे स्टेट के ऊपर से फिल्टर मेथड को अप्लाई कर दूंगा, और फिल्टर मेथड के अंदर जो भी आएगा यहाँ पे आइटम, यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन होता है, इसके अंदर जितने भी आइटम आएंगे इन आइटम को लेके अपन आइटम के अंदर की जो आईडी होगी उसको नॉट इक्वल इक्वल टू एक्शन डॉट पेलोड, एक्शन डॉट पेलोड के बराबर में जो नहीं होगी उसको अपन रिटर्न कर देंगे। फिल्टर मेथड आपको मालूम है क्या करता है, कि जैसे कोई एरे है, थोड़ा सा यहाँ पे करके दिखाता हूँ फिल्टर मेथड का। जैसे यहाँ पे मान के चलिए ए नाम से यहाँ पे कोई एरे है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 है, ठीक। इसके अंदर आपने क्या करना है, फिल्टर मेथड लगाना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉन्स्ट बी नाम से यहाँ पे बनाऊंगा और यहाँ पे एरे के ऊपर लगाऊंगा फिल्टर मेथड, और सेम चीज लगा दूंगा कि जितने भी एलिमेंट या फिर आइटम ही बोल देता हूँ, जितने भी आइटम है ए आइटम आपने इस तरीके से बोला और इसको इस तरीके से बोल देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आपने क्या किया, और यहाँ पे आपने इसको बता दिया कि जितने भी आइटम हैं तो ए नॉट इक्वल टू 3, जो 3 के बराबर नहीं है उसके अलावा सारी वैल्यू मुझे यहाँ पे दे दो। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई क्या, एक काम करता हूँ यहाँ पे इस तरीके से, अरे मुझे फिल्टर से गड़बड़ हो चुकी है, ए डॉट फिल्टर इसमें आइटम, ठीक है, रिटर्न ए नॉट इक्वल टू 3। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे बी को प्रिंट करता हूँ और बाकी सबको मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। तो अभी यहाँ फिल्टर मेथड क्या करके देगा, यहाँ पे अभी आप चेक कर लोगे कि यहाँ पे नोड इंडेक्स डॉट जेएस, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, अच्छा ये क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे ये नहीं कर लिखना था, इसको आइटम लिखना था, आइटम नॉट इक्वल टू 3। तो अगर मैं फिर से चलाऊंगा तो आप यहाँ पे देखो एरे कौन सा मिला, आपको मिला 1 2 4 5, पहले कौन सा मिला था 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 4 5 इसने 3 वैल्यू आपको नहीं दिए। क्यों नहीं दिए, क्योंकि यहाँ पे आपने कंडीशन लगा दी है आइटम जो 3 के बराबर ना हो, केवल वो वाले आइटम आपको चाहिए। सेम चीज आपने यहाँ पे करी है कि जो आईडी उसे पेलोड से मिलेगी और जो आईडी यहाँ पे मिलेगी, इन दोनों आईडी जो इसके बराबर नहीं होगी वो सारे एलिमेंट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये आपने फिल्टर मेथड की मदद से आपने यहाँ पे इस काम को परफॉर्म किया, ठीक है, ये कर दिया। अब इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है इसको, आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट करना है ऐड फंक्शन को और रिमूव को, और ये क्या है, ये अपने क्रिएट स्लाइस के अंदर अपने जो एक्शंस होते हैं वो एक्शंस के अंदर से आपको वो ये मिल जाएंगे, क्रिएट स्लाइस और यहाँ पे मतलब कार्ट स्लाइस था, यहाँ पे कार्ट स्लाइस और यहाँ पे आपने यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। अब क्या गड़बड़ हो रही है, कार्ट स्लाइस में भी कुछ गड़बड़ हुई है इसके अंदर, अच्छा मैंने यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लगाया था, यहाँ पे कार्ट स्लाइस डॉट एक्शंस इस तरीके से लिखना है।
तो अपने को देखो यहां से आप क्या संबोधित कर रहे हो इस बात को, रिड्यूसर के अंदर क्या बने, रिड्यूसर के अंदर बने एक्शन जिनको अपन को परफॉर्म करना है। आप इस चीज को देखो, इन्होंने क्या किया, जब आप रिडक्स बना होगा उस समय इन्होंने थोड़ा सोचा होगा, तो इन्होंने उस समय उनके पास एक ध्यान आई बात कि उन्होंने बोला कि ये सारे क्या एक्शन है, ऐड हो गया, रिमूव हो गया, जो भी यहाँ पे काम होता है वो पर्टिकुलर एक एक्शन के द्वारा एक्शन होता है। मतलब जब भी आप यूजर जो है कोई ना कोई एक्शन करता है तब आपको वो चीज़ परफॉर्म करवानी होती है। तो इसलिए यहाँ पर उन्होंने बोला कि कार्ट स्लाइस के अंदर जो एक्शन है वो यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, और फिर यहाँ से आपको एक चीज़ और एक्सपोर्ट करनी होती है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट जो कार्ड स्लाइस आपने बनाया है, इस कार्ड स्लाइस के अंदर जो है रिड्यूसर्स आपको मिल जाते हैं, तो यहाँ पे आज इसी रिड्यूसर को आपको इंपोर्ट कर देना है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया, कार्ड स्लाइस के अंदर जितने भी रिड्यूसर हैं इनको आपने इंपोर्ट कर दिया, और यहाँ पे एक्शंस को आपने एक्सपोर्ट कर दिया। ये दोनों चीज़ें आपने यहाँ से एक्सपोर्ट कर देनी है बस। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, कोई ना कोई आपको स्टोर बनाना पड़ेगा। रिडक्स का जो सबसे बड़ा गेम है वो यहीं से शुरू होता है कि जब आप यहाँ पे किसी भी स्टोर को बनाते हो, स्टोर जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे रिडक्स के अंदर ही एक नई फाइल बना लेता हूँ जिसका मैं यहाँ पे नाम दे दूंगा, यहाँ पे store.jsx। तो store.jsx यहाँ पे जो है ना, रिडक्स का सबसे बड़ा गेम यहीं पे शुरू होता है। ये क्या होते हैं, स्लाइस होते हैं, जैसे पनीर का टुकड़ा होता है ना, तो पनीर के टुकड़े के अंदर मल्टीपल टुकड़े होते हैं, पनीर की सब्जी में डालने के लिए आप मल्टीपल टुकड़े वर्क करते हैं उसके। तो उसी तरीके से क्या होता है कि जब आप कोई वेबसाइट या ऐप बनाते हैं तो उसके अंदर आपके बहुत सारे स्टेट हो सकते हैं जिनको आपको अलग अलग कंपोनेंट के अंदर चाहिए। जैसे आपका जो मैंने बोला था कि ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर मैंने दो कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज किया था, तो दो कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज करने का मतलब क्या हुआ कि मैंने दो अलग अलग स्टेट का यूज किया होगा वहाँ पे। तो बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है कि जब आप किसी वेबसाइट ऐप को बनाते हैं तो केवल दो नहीं, कई बार आपको 7 या 8 स्टेट को यूज करना पड़ता है। तो स्टोर आपका क्या मदद करता है, स्टोर मदद ये करता है कि ये जितने भी आप यहाँ पे जितने भी जो रिड्यूसर यहाँ से एक्सपोर्ट करते हो ना, ये यहाँ पे आपने रिड्यूसर एक्सपोर्ट किया, ये जो एक्शन है, एक्शन कहाँ पे है, एक्शन तो इस रिड्यूसर के अंदर ही सेट किए गए हैं ना पहले से। अब यहीं पे बस थोड़ा सा कन्फ्यूजन शुरू होता है, एक्शन को क्या करना पड़ता है, एक्शन को आपको कॉल करना पड़ता है, और रिड्यूसर को आपको क्या करना पड़ता है, रिड्यूसर को आपको स्टोर के अंदर रखना पड़ता है। समझ में आ रही बात, एक्शन को आप क्या करते हो, कॉल करते हो, रिड्यूसर को आप कॉल नहीं करते हो, आप क्या करते हो, एक्शन को कॉल करते हो, रिड्यूसर को आप जाके स्टोर के अंदर स्टोर कर देते हो। ठीक है, अब यहाँ से आपको समझ में आएगा कि मैं यहाँ पे जो बोल रहा हूँ इतनी देर से वो उसका क्या मतलब है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इंपोर्ट करना है, और किस चीज़ को इंपोर्ट करना है, आपको करना है कॉन्फिग्योर स्टोर को, ये आपको रिडक्स जीएस टूल किट में से मिल जाएगा। ठीक, इसके बाद आपको यहाँ पे लिख देना कॉन्स्ट स्टोर इक्वल टू कॉन्फिग्योर स्टोर, और इस फंक्शन को कॉल, फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट पास करना है, इसके अंदर होते हैं रिड्यूसर, जितने भी रिड्यूसर होते हैं वो रिड्यूसर आपको इसके अंदर रखने पड़ते हैं। मैंने क्या बोला, आप यहाँ पे क्या करते हो, रिड्यूसर को रखते हो, इसका रिड्यूसर, रिड्यूसर के अंदर एक्शन है, उन एक्शन को आपको कॉल करना होता है बस। ठीक है, अब यहाँ पे आपने बोल दिया कार्ट, इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, और इसको मैं बोल देता हूँ कार्ट रिड्यूसर, कार्ट रिड्यूसर मैंने इसको बोल दिया, ये कार्ट का रिड्यूसर है। बस आपको क्या करना है, इम्पोर्ट करना है, कहाँ से आपको करना है, कार्ट रिड्यूसर को इम्पोर्ट इस तरीके से आपको इम्पोर्ट करना है बस। इसके बाद आपको क्या कर देना है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, डिफॉल्ट स्टोर को आपको क्या कर देना है, स्टोर इस तरीके से इसको कर देना है। अब यहाँ पे हुआ क्या, पहले इस बात को समझो, सबसे पहले आपने कन्फ्यूगर स्टोर नाम का फंक्शन कॉल किया, इस फंक्शन के अंदर आपने इस तरीके से सेट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो रिड्यूसर है ये बाई डिफॉल्ट आपको मिलता है, अब रिड्यूसर आपने जैसे ही सेट कर दिया तो यहाँ पे क्या हो गया, इस ऑब्जेक्ट के अंदर आपने मल्टीपल यहाँ पे चीजें पास कर दी, की वैल्यू पेयर आप पास कर रहे हो कि जो कार्ट है, जब भी कार्ट को कोई पुकारे तो क्या कर दो, कार्ट रिड्यूसर बुला दो। अब कार्ट रिड्यूसर कहाँ पे है, कार्ट रिड्यूसर है कार्ट स्लाइस के अंदर। ठीक है, अब आपका यहाँ पे कार्ट स्लाइस के अंदर, कार्ट स्लाइस के अंदर रिड्यूसर कहाँ पे है, रिड्यूसर और एक्शन दोनों चीजें यहाँ पे इम्पोर्ट हो रही है। जैसे उन्होंने रिड्यूसर को पकड़ा तो उन्होंने रिड्यूसर ए वाला दे दिया, और इसके अंदर कौन कौन सी चीजें, ऐड और रिमूव। अब कैसे मालूम पड़ेगा कि ऐड और रिमूव आपको क्या कॉल करना है, तो यहाँ पे ऐड रिमूव उसने बोला कि मैं यहाँ पे ऐड रिमूव देखो यहाँ पे इस तरीके से कॉल कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप उसको बताते हो, पूरी इंफॉर्मेशन देते हो कि मैं इस तरीके से ये सारी चीजें सेट करता हूँ। उसके लिए कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन रिडक्स के अंदर होते हैं, उनको अपन अभी थोड़ी देर के अंदर यूज करेंगे।
लेकिन उसके पहले आपको क्या करना पड़ता है, ये जो आपने स्टोर बनाया है जिसके अंदर जितने भी आप रिड्यूसर बनाओगे सारे रिड्यूसर स्टोर होंगे। सारे रिड्यूसर स्टोर करने का मतलब क्या है, सारे रिड्यूसर स्टोर करने का मतलब यह है कि जैसे पनीर का टुकड़ा होता है ना, तो पनीर का टुकड़ा एक कहीं ना कहीं पे उसका पूरा जो टोटल पनीर है, जैसे फ्रिज का आपने होटल अगर देखा होगा किसी होटल के फ्रिज के अंदर क्या होता है, पूरा पनीर रखा जाता है। अब उस कोई ग्राहक गया तो उस ग्राहक को क्या कर दिया गया, उस फ्रिज में से निकाल के कोई एक टुकड़ा दे दिया 100 ग्राम 50 ग्राम का, उसको पकड़ा दिया, यही किया जाता ना। यही सेम काम इसमें से करना होता है कि आपको जो स्टोर है, स्टोर अभी क्या है अलग एक फाइल के अंदर पड़ा हुआ है, तो अलग फाइल के अंदर से आपको क्या करना है, पूरे ऐप के अंदर पहले इसको इनेबल करना है। ये स्टोर को आप जब पूरे ऐप के अंदर इनेबल कर दोगे तभी क्या होगा, ये सारे जो रिड्यूसर हैं जितने भी आप रिड्यूसर यहाँ पर डालोगे वो सारे रिड्यूसर सेट हो जाते हैं। रिड्यूसर सेट होने का मतलब क्या है, रिड्यूसर सेट होने का मतलब है कि ये जितने भी आप यहाँ पे स्लाइस बनाते हैं, स्लाइस का मतलब ये टुकड़े मान के चलो कि जितने भी आप यहाँ पे स्लाइस या जितने भी स्टेट आप यहाँ पे बनाते हैं उन स्टेट के जो एक्शन है वो सारे आपको मिल जाते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टोर, क्योंकि स्टोर के अंदर रिड्यूसर है और रिड्यूसर के अंदर क्या है, रिड्यूसर के अंदर वो सारे एक्शन है जो आपने सेट किए। देखो रिड्यूसर को मैं जैसे ही ओवर कर रहा हूँ यहाँ पे देखो एड ए और ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रही हैं। आपने यहाँ से एक्शन को भी एक्सपोर्ट कर दिया, इनको बस कॉल करना है किसी एक जगह पे जहाँ पे इसका यूज होगा उस जगह पे। आ गई ना बात समझ में, इतना तो आप आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना मेन डॉट जे एस एक्स के अंदर, यहाँ पे आपको क्या कर देना है, कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे इम्पोर्ट करनी है। सबसे पहले आपको क्या इम्पोर्ट करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे इम्पोर्ट करना है प्रोवाइडर को, तो यहाँ पे इम्पोर्ट आप यहाँ पे कर देंगे प्रोवाइडर। प्रोवाइडर आपको मिल जाता है रिएक्ट रिडक्स में से, रिएक्ट रिडक्स में से आपको प्रोवाइडर मिल जाएगा, और इस प्रोवाइडर को आपको क्या कर देना है, इस जगह पे सेट कर देना है। जब आप यहाँ पे सेट कर दोगे इस तरीके से तो क्या हो जाएगा, अपना एक प्रोवाइडर पूरे उसके अंदर इनेबल हो जाता है, पूरे ऐप के अंदर इनेबल कर दिया आपने। उसके बाद आपको क्या करना है, इम्पोर्ट कर देना है। किस चीज़ को इम्पोर्ट करना है, जो आपने स्टोर को आपने एक्सपोर्ट किया था ना उस स्टोर को आपको यहाँ से कर देना है इम्पोर्ट स्टोर, और स्टोर ये वाला एक स्टोर नहीं, हाँ ये वाला चाहिए मुझे रिडक्स की फाइल के अंदर, मतलब रिडक्स फोल्डर के अंदर स्टोर डॉट जे एस एक्स नाम से एक फाइल है, उसके अंदर से मुझे स्टोर चाहिए। और प्रोवाइडर के अंदर आप देखोगे स्टोर नाम का प्रॉप जो होता है बाय डिफॉल्ट होता है, और यहाँ पे आपको इस स्टोर को पास करना है। तो ये आपने क्या किया, ये आपने ये कर दिया कि ये वाला जो स्टोर था, ये वाला जो स्टोर नाम का वेरिएबल, इसको आपने पूरे ऐप के अंदर इनेबल कर दिया। तो इसको ऐप के अंदर इनेबल करने से फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि यहाँ पे पहले ओवर करो, इसको ओवर करोगे आप तो आपको मालूम पड़ेगा कि यहाँ पे देखो प्रॉपर्टी कार्ट रिड्यूसर, कार्ट रिड्यूसर आपने इसको जो बता रहा है इसके अंदर क्या है, इसके अंदर स्लाइस रिड्यूसर है, ये क्या है स्लाइस रिड्यूसर, यहाँ पे लिख के भी आ रहा है। तो ये स्लाइस रिड्यूसर आपको क्या हेल्प करेगा, अब आप जितने भी आप इसको जितना बार चाहो उतना बार आप इसको किसी भी फाइल के अंदर आप इसको कॉल कर सकते हो, पूरे ऐप के अंदर इसकी सुविधा आपको मिल चुकी है। तो इसीलिए क्या किया जाता है, इसको इनेबल कर दिया जाता है। आ गई बात समझ में आपको। अब यहाँ पे चलते हैं अपन एक्चुअल कंपोनेंट के अंदर, जो अपने पास होम कंपोनेंट था उस होम कंपोनेंट के अंदर जाते हैं, होम कंपोनेंट अपना ए वाला, इसके अंदर अभी आपको क्या करना है, इसके ऊपर जैसे ही अपन ऐड टू कार्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो अपने को क्या करना है, उस फंक्शन को कॉल करो, पहले एक फंक्शन बनाना पड़ेगा यहाँ पे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक पे मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक फंक्शन को कॉल कर देता हूँ हैंडल ऐड नाम से, और इसके अंदर जो पूरा प्रोडक्ट है उस पूरे प्रोडक्ट को मैं पास कर रहा हूँ यहाँ से, ये वाला जो पूरा प्रोडक्ट है ना इस पूरे प्रोडक्ट को मैंने पास कर दिया है। और जब आप इस पूरे प्रोडक्ट को पास कर देते हो यहाँ पे, आप इसको पहले डिफाइन करना पड़ेगा फंक्शन को, मैं यहाँ पे कॉन्स्ट हैंडल ऐड, और यहाँ पे इसको बनाया गया फैट एरो फंक्शन, और यहाँ पे आपको क्या करना है, अब इस जगह पे जो असली चीज़ें हैं वो इस जगह पे यहाँ पे आती हैं। सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे इम्पोर्ट करनी है, क्या इम्पोर्ट करना है, आपको इम्पोर्ट करना है ऐड मेथड। तो आपने यहाँ पे ऐड लिखा, और ऐड देखो आपको रिडक्स की कार्ड स्लाइस में से आपको मिल गया क्योंकि आपने वहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया था। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको और इम्पोर्ट करनी है, वो है अपना यूज डिस्पैच, यूज डिस्पैच। अब आपने यूज डिस्पैच लिया, वो मिल गया आपको रिएक्ट रिडक्स में से। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, अब आपका यूज डिस्पैच वो क्या करता है कि आपने जो ऐड फंक्शन यहाँ से कॉल तो कर, मतलब आपने यहाँ पे ले तो लिया है लेकिन आपको कॉल करना है, क्या करना है, कॉल करना है।
अब क्योंकि जो कार्ट स्लाइस है उसके अंदर क्या है, रिड्यूसर है। अब रिड्यूसर के अंदर क्या है कि मल्टीपल एक्शन है, तो हर एक एक्शन को यहाँ पे आपको बताना पड़ता है कि मुझे अभी इस एक्शन को डिस्पैच करना है। वैसा तो है नहीं कि एक बार में सारे एक्शन को डिस्पैच कर दो। अगर आपके पास कोई ऐसा फंक्शन नहीं होगा कि जिसकी मदद से आप इसको बताओगे कि डिस्पैच करना है, तो ये सारे एक्शन को डिस्पैच नहीं कर देगा 24 घंटे। फिर आपकी ऐप और वेबसाइट का जो टाइम है वो बढ़ता नहीं चला जाएगा, और फिर आप बोलोगे कि मेरी वेबसाइट स्लो हो रही है। तो इसीलिए क्या होता है, डिस्पैच फंक्शन आपको हेल्प करता है कि आपकी जो एक्शन है उन एक्शन में से कौन सा एक्शन कब डिस्पैच होना चाहिए। आप जब बोलोगे तभी डिस्पैच होगा, उसके पहले वो डिस्पैच नहीं होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करना है, कौन डिस्पैच नाम से यहाँ पे वेरिएबल बनाना और यूज डिस्पैच आपको यहाँ पे ले लेना है। इस तरीके से आपने ले लिया, इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, इसके बाद यहाँ पे हैंडल एड जो नाम का आपने फंक्शन बनाया है, इसके अंदर तो प्रोडक्ट आ रहा है ना, इसके अंदर प्रोडक्ट आ रहा है जहाँ से अपने को पास किया अपन ने, डिस्पैच कर देना है। यहाँ से आप बोलोगे कि मैं डिस्पैच कर रहा हूँ, इसके बाद आप एक्शन बताते हो किस एक्शन पे डिस्पैच कर रहा हूँ। मैंने बोला जो ऐड वाला फंक्शन इस एक्शन बनाया था ना, उस एक्शन के अंदर मुझे देखो यहाँ पे देखो पहले से आप वो आ गया कि यहाँ पे आप कोई ना कोई पेलोड पास कर सकते हो, वो किसी भी टाइप का हो सकता है, तो किसी भी टाइप का हो सकता है। तो आपने दे दिया प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट अपना है क्या है, प्रोडक्ट अपना वो है ऑब्जेक्ट है। इस तरीके केवल इतना छोटा तरीका किया आपने, और आपने क्या कर दिया, डिस्पैच को यहाँ पे पास कर दिया, और जो ऐड वाला फंक्शन है स्टेटस को आपने अपडेट कर दिया। कार्ड स्लाइस के अंदर जो स्टेट आपने बनाई थी इनिशियल स्टेट, इसको आपने home.jsx में इसकी मदद से आपने इसको चेंज कर दिया। अब जो प्रोडक्ट यहाँ पे पास किया गया है वो कहाँ पे आएगा, इस पेलोड के अंदर, और आपको चेक करना है, इसको कर दोगे ओवर, यहाँ पे बोल देगा कि कॉलिंग दिस रिडक्स एक्शन क्रिएटर विथ एन आर्गूमेंट विल रिटर्न ए पेलोड एक्शन। ठीक है, पेलोड वाला यहाँ पे इसने काम किया, यानी कि प्रोडक्ट को इसने एज अ पेलोड लिया है, और पेलोड को आपने यहाँ पे एक्चुअल में पास कर दिया है। समझ में आ गया। अब बात करते हैं यहाँ पे कि अब यहाँ से आपने प्रोडक्ट को ऐड तो कर दिया, लेकिन अभी क्या प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा, वहाँ पे जो नेप बार है वहाँ पे वैल्यू अपडेट हो जाएगी क्या, क्या करते हैं एक बार मैं काम करता हूँ। यहाँ पे अगर मैं राइट क्लिक करूँ, तो मैं राइट क्लिक करूँ, यहाँ पे देखो रिडक्स डेप टूल है मेरे पास, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ से जाके रिडक्स के अंदर जाता हूँ। अगर मैं रिडक्स के अंदर जाऊँगा तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो सबसे पहले तो यहाँ पे टाइप लिखा हुआ है पेलोड, यहाँ पे देखो पेलोड के अंदर एक ऑब्जेक्ट है, पूरा क्या है, एक प्रोडक्ट नाम का एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ रहा है, जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है, जिसकी आईडी क्या है, इस समय इन्होंने 2 है। अब यहाँ पे देखो मैं ऐड टू कार्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे देखो वैल्यू बढ़ती जा रही है, यहाँ पे देखो इसके ऊपर मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ये देखो एक और बढ़ चुका है। मैं अगर नीचे आके एक और क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो यहाँ पे एक और मैंने क्लिक किया, यहाँ पे देखो एक और बढ़ चुका है। तो इससे आपको ये मालूम पड़ रहा है कि स्टेट तो चेंज हो रहा है, लेकिन अभी यहाँ से इसको हटा दें, ये वाली वैल्यू तो अपडेट होगी नहीं ना, आइटम की वैल्यू तो आप जब अपडेट होगी, जब आप उसको अपडेट करोगे तो उसको अपडेट कैसे करेंगे। अब चलते हैं नेप बार के अंदर, नेप बार के अंदर देखते हैं कि इसको किस तरीके से अपन अपडेट कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इम्पोर्ट करना है यूज सेलेक्टर को, यूज सेलेक्टर को आपको इम्पोर्ट करना है, जो रिएक्ट रिडक्स के अंदर से मिल जाता है। अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आइटम्स, और यहाँ पे ये हम बताता हूँ कि यूज सेलेक्टर क्या करता है। अब जब आप यूज सेलेक्टर फंक्शन को आप कॉल करते हो तो ये क्या होता है, कॉल बैक फंक्शन होता है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, पहले एक और फंक्शन पास करना है। अब इसके अंदर क्या होता है, स्टेट। अब ये स्टेट कैसे क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। जब भी आप यूज सेलेक्टर को, यूज सेलेक्टर फंक्शन को आप कॉल करते हो, तो आप याद रखो स्टोर को। अब स्टोर के अंदर क्या था, रिड्यूसर थे। अब जो जितने भी रिड्यूसर हैं उन सब रिड्यूसर के अंदर क्या है, उन सब की स्टेट होगी। अगर आप कार्ड स्लाइस के अंदर जाओ तो इसकी जो इनिशियल स्टेट थी, फिर इसके अंदर जो स्टेट के अंदर जो चेंज हुआ, राइट स्टेट तो रहेगी ना, चेंज हो सकता है स्टेट के अंदर, लेकिन स्टेट तो स्टेट रहेगी। तो यहाँ पे आप बस इतना समझ लो इसको कि जो यूज सेलेक्टर के अंदर जो कॉल बैक फंक्शन होता है, इस फंक्शन के पास सारी स्टेट रहती हैं, जितनी भी स्टेट आपने बनाई है ऐप के अंदर, वो सारी स्टेट आपकी क्या होती हैं, यूज सेलेक्टर के पास रहती हैं। जिस तरीके से स्टोर के पास सारे रिड्यूसर सेट किए जाते हैं, उसी तरीके से आपके यूज सेलेक्टर के पास हर एक स्टेट रहती है। हर एक स्टेट मतलब सारी की सारी स्टेट आपको बताना पड़ता है कि आपको कौन सी स्टेट यहाँ पे चाहिए। अगर आप यहाँ पे जाओगे
इसको अगर आप इंस्पेक्ट करोगे और यहाँ पे रिडक्स के अंदर अगर आप जाओगे, रिडक्स तो स्टेट वाला जो सेक्शन है ना, यहाँ पे अगर आप स्टेट के अंदर जाओगे, यहाँ पे देखो जो कार्ट लिखा हुआ है, आप इस जगह पे आके आप चेक कर सकते हो कि आपके ऐप के अंदर कितनी स्टेट हैं। वो सारी जितनी भी स्टेट यहाँ पे होंगी, नो मैटर सिंगल डबल ट्रिपल 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15 जितनी भी स्टेट हैं यहाँ पे आके आप चेक कर लो कितनी स्टेट हैं, वो सारी स्टेट आपको क्या हो जाएंगी, यूज सेलेक्टर नाम के जो फंक्शन है उसके अंदर आपको मिल जाएंगी। ये जो आप कॉल बैक फंक्शन पास कर रहे हो ना, इसके अंदर जो स्टेट यहाँ पे लिखी जाती हैं वो सारी स्टेट आपको इस वेरिएबल के अंदर मिलती हैं। अब इसके अंदर से आप क्या करते हो, किसी एक स्टेट को निकालते हो। अब मैंने स्टेट डॉट लिखा लेकिन यहाँ पे सजेशन नहीं आया। ये मतलब जावास्क्रिप्ट का सबसे बड़ा फ्लो है कि स्टेट के ऊपर डॉट लगाने के बाद भी जितनी भी स्टेट हैं वो सारी नहीं बता रहा है। लेकिन अगर यहीं पे टाइप स्क्रिप्ट होता तो बताता आपको। अगर आपको मालूम करना है तो आप क्या करेंगे, स्टोर के अंदर जाएंगे, जो आपने यहाँ पे नाम दिया, इस जगह पे जो नाम दिया है, इसको ध्यान से सुनो, इस जगह पे जो आपने नाम दिया है वो चीज आपको क्या करनी है, यहाँ पे आपको पास करनी है, ठीक है। इस जगह पे जब आप इसको पास कर देते हो तो इससे क्या होगा, उससे इस कार्ट के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो आपकी यहाँ पे निकल के आ जाएंगी। मतलब उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर जितना भी डेटा है वो पूरा डेटा आपको आइटम्स के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जितने भी आइटम्स आ रहे हैं उन आइटम्स की आपको यहाँ पे जो लेंथ है, लेंथ उसको आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो आइटम की लेंथ ऑटोमेटिक यहाँ पे 4 हो चुकी है। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा आइटम की लेंथ 5 हो गई, क्लिक किया आइटम की लेंथ 6 हो गई, एड टू कार्ट किया 7 हो गई। तो यहाँ पे क्या कर दिया आपने, इतना इजीली इसको सेटअप कर दिया है। एड टू कार्ट वाली फंक्शनैलिटी जो आपने लगाई थी वो आपका इतना इजीली अप्लाई हो चुकी है। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको जो कार्ट वाला पेज जो मैंने बनवाया था यहाँ पे cart.jsx, इसके अंदर इन सभी कार्ट को आपको शो कराना है। आप कार्ट को शो कैसे कराओगे, पहले तो आप दिमाग लगाओ, खुद ही थोड़ा सा ध्यान लगाओ कि मैंने यहाँ पे क्या बोला। इसके अंदर नैप बार के अंदर, नैप बार के अंदर मैंने बोला कि यूज सिलेक्टर के अंदर यहाँ पे जितनी भी स्टेट आपके पास हैं वो सारी स्टेट आ जाएंगी। अब स्टेट के अंदर जो स्टेट है, उस स्टेट के अंदर जो आपने कार्ट बनाया तो उसकी कार्ट वाली जो स्टेट थी उसके अंदर कितना डेटा है वो पूरा डेटा आपको कहाँ पे मिल जाएगा, आइटम्स के अंदर। लेकिन मैंने यहाँ पे केवल आइटम्स की लेंथ निकालनी थी तो मैंने लेंथ दिखाई, लेकिन डेटा तो यहाँ पे मिल ही चुका है ना। तो इसी चीज को आप कर लो, यहाँ से कॉपी कर लो, आप जाओ यहाँ पे कार्ट के वाले पेज के अंदर, और कार्ट वाले पेज के अंदर आप क्या कर दो, इस जगह पे आके इसको पेस्ट कर दो और आइटम्स की जगह इसको नाम दे दो कार्ट आइटम्स। कार्ट आइटम्स मैंने इसको नाम दे दिया। और क्या करना है, यहाँ से आप नैप बार के अंदर से ही क्या कर सकते हो, इस यूज सिलेक्टर को उठा सकते हो और कार्ट के अंदर ले जाके इसको पेस्ट कर सकते हो, ठीक। इतना करना था आपको। और यहाँ पे आपको क्या करना है, कार्ट वाले पेज के ऊपर जो कार्ट का जो पूरा पेज है वो आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। आपने बोला कि आपके पास जो कार्ट आइटम्स हैं, इन कार्ट आइटम्स के ऊपर आप क्या कर दो, मैप फंक्शन चला दो और यहाँ पे जितने भी आइटम होंगे इन सारे आइटम को आप यहाँ पे ले लोगे। और इसके अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले आप यहाँ पे इमेज लगा दोगे और इमेज के अंदर यहाँ पे इक्वल टू में आइटम के अंदर जो इमेज होगी उस इमेज को शो करा देना यहाँ पे इमेज, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से H5, और H5 के अंदर क्या है, जो आइटम है आइटम के अंदर क्या होगा, टाइटल होगा। तो मैंने यहाँ पे टाइटल, और इसके बाद H5 एक और, इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको जो आइटम है आइटम की जो प्राइस है वो आपको यहाँ पे शो करा देनी है। अब यहाँ पे एक चीज हो रही है कि एक डिब यहाँ पे ले लेते हैं, इस डिब को उठा के मैं यहाँ पे इसके अंदर इस तरीके से दे देता हूँ, ठीक है। तो जो एरर आ रही थी वो एरर अपनी जा चुकी है। तो एक काम करता हूँ, इसको क्लास नेम दे देता हूँ, क्लास नेम देता हूँ मैं इसको कार्ट कार्ड, ठीक है। और इसको भी मैं एक क्लास नेम दे देता हूँ, इस वाले को डिव को कार्ड रैपर, मैं इसको मुझे एक क्लास नेम देनी थी तो यहाँ से उसको उठा लेंगे, इसको क्लास नेम, ठीक है, इस तरीके से मुझे यहाँ पे लगा देना है।
तो आइए चलते हैं अपने कार्ट पेज पे और चेक करते हैं। तो मैं अगर कार्ट के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मुझे ओके क्या गड़बड़ हो रही है कि अगर मैं कार्ट वाले पेज पे जा रहा हूँ तो मुझे रिडक्स ट्यूटोरियल तो यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। एक काम करता हूँ, यहाँ पे इस डिब के पहले भी एक डिब देता हूँ, मैं यहाँ पे एक डिब देता हूँ और इस डिब को यहाँ पे इसके नीचे रैप और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ एक H3 और यहाँ पे लिखता हूँ कार्ट पेज। अभी देखता हूँ कि क्या ये आ रहा है। तो अपना कार्ट पेज निकल के आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अपना ए वाला जो डेटा है वो अपना अभी नहीं आ रहा है। वो क्यों नहीं आ रहा है वो देखते हैं यहाँ से। अच्छा, अपने पास आइटम ही नहीं है ना यहाँ पे, वो मैंने गलती कर दी। यहाँ से एक इसको एक आइटम ले लेता हूँ, उसके बाद जाता हूँ। तो यहाँ से एक आइटम लेने के बाद अगर मैं कार्ट पेज पर आया है तो गड़बड़ कुछ नहीं हो रही है। एक्चुअल में गड़बड़ ये हो रही है कि मैं यहाँ पे इसको लगा रहा हूँ कर्ली ब्रैकेट को और मुझे ये कर्ली ब्रैकेट की जगह इस फंक्शन वाले ब्रैकेट को मुझे यहाँ पे लगा देना चाहिए था, वरना मुझे यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड लगाना पड़ेगा। इतनी छोटी सी ये गड़बड़ हो रही थी और मुझे एकदम से कन्फ्यूजन हो गई। मैंने बोला क्या गड़बड़ हो गई इसके अंदर, लेकिन कोई गड़बड़ नहीं हुई है। अपन जाएंगे होम पेज पे और होम पेज पे जाने के बाद अपन यहाँ से एक 2-3 प्रोडक्ट को लगा देंगे। यहाँ से कार्ट पेज पे जाएंगे, यहाँ पे आप देखेंगे मेंस कैजुअल, मेंस कॉटन और इस तरीके से एक रिमूव का बटन भी मैंने यहाँ पे लगाया है और रिमूव के बटन की जो क्लास नेम है वो इस तरीके से मैंने यहाँ पे दी है। अब इस चीज़ को आप ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले ऑन क्लिक लेता हूँ। जिस तरीके से मैंने ऐड फंक्शन के लिए लिया था बिल्कुल उसी तरीके से मैं यहाँ पे एक हैंडल रिमूव नाम से एक फंक्शन बना रहा हूँ और इसके अंदर मैं क्या करना चाहता हूँ, जो अपने पास आइटम है आइटम के अंदर जो आईडी है उस आईडी को मैं यहाँ पे पास करने वाला हूँ। ओके, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, यूज डिस्पैच की जरूरत पड़ेगी क्योंकि एक्शन को कॉल करना है। तो अब एक्शन को कॉल करना है तो यूज डिस्पैच तो चाहिए ही चाहिए, तो यहाँ पे चाहिए अपने को यूज डिस्पैच। आपने क्या किया, आपने यहाँ पे बोला कि डिस्पैच भैया ऐसा कर दो, यूज डिस्पैच को आप बुला दो और यूज डिस्पैच को बुलाने के बाद आप कॉन्स्ट हैंडल रिमूव इक्वल टू इस तरीके से आपने पहले फंक्शन बनाया और जो आईडी यहां पे आ रही है इस आईडी को इस तरीके से आपने ले लिया। ठीक है, आईडी लेने के बाद आपको यहां पे क्या करना है, आपने बोला कि आप डिस्पैच हो जाओ यहां से और रिमूव फंक्शन को जाके कॉल कर देना, यहां से डिस्पैच हो और रिमूव फंक्शन को जाके कॉल कर देना। अब रिमूव फंक्शन जो है वो यहाँ से अपने इम्पोर्ट भी हो गया। अब आपको यहाँ पे पास कर देना है इस आईडी को। अब जो आईडी यहाँ पे है, समझना बात को, जो आईडी यहाँ पे है, रिमूव फंक्शन कहाँ पे है, यहाँ पे फिल्टर मेथड आपने लगाया है। यहाँ पे स्टेट के अंदर क्या होगा, स्टेट के अंदर वो सारे आइटम हैं, कौन से आइटम, जो आपके आपने यहाँ पे जितने भी आइटम हैं वो सारे आइटम आपको कहाँ पे मिलेंगे, स्टेट नाम के एरे के अंदर। ठीक है, अब यहाँ से फिल्टर होना शुरू हुआ। अब आइटम के अंदर कोई ना कोई आईडी तो होगी, ये बात तो पक्की है। अब जो आइटम की आईडी है और जो आईडी आपने अभी थोड़ी देर पहले भेजी है, कहाँ से भेजी है आपने, भेजी है यहाँ से, कहाँ पे गया अपना कार्ट वाला पेज, यहाँ से आपने इस आईडी को भेजा है, तो इस वाली आईडी को चेक किया जाएगा। कहाँ पर चेक किया जाएगा, इसके साथ जो इसके बराबर में होगी उस वाली को छोड़ के बाकी सबको ये क्या कर देगा, भेज देगा। तो इस तरीके से अपना ये लॉजिक पूरा डिफाइन हुआ। तो अब करते हैं रिमूव फंक्शन के ऊपर, मतलब रिमूव बटन के ऊपर क्लिक, क्लिक किया गायब, क्लिक किया गायब। देखा इतना इजी था अपना रिडक्स को अप्लाई करना। अब बताओ इसमें कहां से कहां तक आपको ये लगा कि ये डिफिकल्ट है, यूज सिलेक्टर डिफिकल्ट लगा, यूज डिस्पैच डिफिकल्ट लगा, या फिर यहाँ पे स्लाइस को बनाना डिफिकल्ट लगाया, या फिर आपको स्टोर या स्लाइस में क्या डिफिकल्ट लगा, या इसको पूरे ऐप के अंदर जब आपने पूरे स्टोर को इनेबल किया तब आपको डिफिकल्ट लगा, या ऐसी कौन सी चीज पूरे रिडक्स के अंदर आपको डिफिकल्ट लगी, आप मुझे ये इतना बता दो बस। इतना इजीली मतलब मैंने एक्सप्लेन कर दिया, एक एक चीज मैंने आपको यहाँ पे समझा दी है। अब मुझे तो बस ये जानना है कि आपको डिफिकल्ट क्या लगा, कमेंट सेक्शन में बता देना, नहीं तो इंस्टाग्राम पे आके बता देना, मुझसे आप कॉल भी कर सकते हो, आपके कॉल का जवाब दूंगा। बस इतना बता देना कि इसमें आपको डिफिकल्ट क्या लगा, बस इतना बता देना।
अब ये समझते हैं कि ये तो आपका हो गया नॉर्मल जो रिडक्स होती है वो इस तरीके से काम करती है, और इस तरीके से आप किसी भी फंक्शन को बना के उसकी स्टेट को आप चेंज कर सकते हो। लेकिन एक कॉन्सेप्ट और है कि रिडक्स के द्वारा आप किसी भी एसिंक्रोनस यानी कि जो एपीआई होती है उस एपीआई को भी आप कॉल कर सकते हो। तो आप अभी ये समझते हैं कि आपको कॉल किस तरीके से करना है, किसी भी एपीआई को अगर रिडक्स की मदद से कॉल करना है तो किस तरीके से आपको करना है। थंक नाम उनका मिडलवेयर होता है, उसकी मदद से आपको करना होता है। तो अभी इसको समझते हैं कि किस तरीके से इसको अप्लाई किया जा सकता है। तो एपीआई को कॉल करने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले आप जाएंगे प्रोडक्ट वाले के अंदर, प्रो होम वाले के अंदर। होम वाले के अंदर अगर आप आओगे यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देखोगे आपने यहाँ पे क्या किया था, फैच प्रोडक्ट नाम से फंक्शन बनाया। इस फंक्शन को आपने इस तरीके से यहाँ पे एपीआई को कॉल किया था और ये सारी चीज़ें आपने इस तरीके से परफॉर्म किया था। इसी चीज़ को आपको क्या करना है, एक नए रूप से लिखना है। अभी नए रूप से किस तरीके से करना है वो सारी चीज़ें बात करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे ये रिडक्स के अंदर एक नई फाइल क्रिएट करूँगा। जैसे आपने कार्ट स्लाइस बनाया था ना, उसी तरीके से मैं यहाँ पे प्रोडक्ट स्लाइस डॉट जे एस एक्स नाम से यहाँ पे एक फाइल बनाऊँगा। अब इसके अंदर पूरा वो सेम कोड लिखना है जो आपने कहाँ पर लिखा, जो आपने लिखा था कार्ट स्लाइस के अंदर। लेकिन मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाऊंगा जस्ट टू कि आप जितना ज़्यादा आप किसी भी कोड को रिपीट करते हो ना, उससे ज़्यादा अपनी समझ पड़ जाती है उस कोड के लेके कि ये कोड क्या काम करता है, जितना ज़्यादा आप उसको लिखते हो। तो इसीलिए आप जब भी आप किसी चीज़ को बिल्कुल पहली बार या दूसरी बार कर रहे हो, तो आप क्या क्या करो, आप उस कोड को दो बार तीन बार, अगर वो कोड जहाँ पे कॉपी पेस्ट भी हो सकता है उस जगह पर भी आप दो या तीन बार लिखो, जब आप स्टार्टिंग टाइम पे हो उस कोडिंग के। एक बार आपने मालूम कर लिया कि हाँ ये कोड इस तरीके से, इसका फ्लो आपने समझ लिया, किसी भी कोडिंग के अंदर फ्लो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। एक बार आपने फ्लो समझ लिया कि ये वाला फ्लो इसका इस तरीके से होता है, ईजिली आप उसके कोड को कहीं पर भी किसी भी प्रोग्रामिंग कोड, मतलब कितना भी बड़ा कोड बेस होगा उसके अंदर आप ईजिली इम्प्लीमेंट कर सकते हो। लेकिन आपका कोड फ्लो समझने के लिए आपको शुरुआत में दो या चार बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। आपने क्रिएट स्लाइस नाम से फंक्शन को कॉल किया, इसके बाद आपने यहाँ पे प्रोडक्ट स्लाइस नाम से यहाँ पे क्या किया, एक वेरिएबल बनाया, इसके अंदर आपने क्रिएट स्लाइस फंक्शन को कॉल कर दिया और यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास कर दिया। इस ऑब्जेक्ट के अंदर नेम दिया और नेम के अंदर आपने यहाँ पे दे दिया नाम, आपने यहाँ पे दे दिया प्रोडक्ट प्रोडक्ट, ठीक है। इसके बाद आपको देना था इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट के अंदर आपने पास कर दिया एरे। अब ये एरे क्यों पास किया, ये तो आपको मालूम होना चाहिए, होम डॉट जी एस एक्स के अंदर जिस तरीके से यूज स्टेट बनना है ना, बिल्कुल उसी तरीके से तो अपने को सेट करना है यहाँ पे, क्योंकि अपने को पहले एपीआई कॉल करनी है, फिर जिस तरीके से यहाँ पे सेट प्रोडक्ट के अंदर डेटा डाला, बिल्कुल उसी तरीके से आपको इस प्रोडक्ट स्लाइस की इनिशियल स्टेट के अंदर डेटा को इंक्लूड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को अगर सेट प्रोडक्ट करना है तो सेट प्रोडक्ट अपन किस तरीके से करेंगे, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जिस तरीके से आपने पहले किया था बिल्कुल सेम तरीके से आपको यहाँ पे करना है। इनिशियल स्टेट के अंदर मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पास करता हूँ, इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो डेटा है, इस डेटा के अंदर मैं क्या कर दूंगा, एरे पास कर दूंगा, यानी कि इसके अंदर एक डेटा नाम का वेरिएबल जहाँ पे एरे बन रहा है, दूसरा अपना बनेगा स्टेटस। क्योंकि जब भी आप किसी भी एपीआई को कॉल करते हो तो वहाँ पर तीन चीज़ें होती हैं, या तो स्टेटस अपना पास हो जाएगा या फेल हो जाएगा, यह थोड़ा सा समय लेगा अपनी एपीआई को कॉल होने में। तो अपने पास तीन स्टेट यहाँ पे हो सकती हैं, तो उन तीन स्टेट को अपन सेट करने के लिए क्या कर सकते हैं, उस तीन स्टेट को सेट करने के लिए एक काम कर सकते हैं, मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक एक्सपोर्ट कॉन्स्ट एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा। अब एक्सपोर्ट मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस स्टेट की मदद से आप क्या कर सकते हैं, जो अपनी लोडिंग है उसको दिखा सकते हैं, समझाऊँगा आपका। जैसे ही मैं होम पेज के अंदर जाऊँगा ना, तब मैं आपको डिटेल के अंदर समझाऊंगा कि ये इसको एक्सपोर्ट क्यों कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मल्टीपल स्टेटस यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे स्टेटस और यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, एक ऑब्जेक्ट 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 डॉट फ्रीज मेथड मैं अप्लाई करता हूँ। फ्रीज मेथड अप्लाई क्यों किया जाता है, फ्रीज मेथड अप्लाई इसलिए किया जाता है जिसकी मदद से आप क्या करते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को इस तरीके से क्रिएट करते हो, उस ऑब्जेक्ट को केवल देखा जा सकता है, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता। जब भी आपको किसी ऑब्जेक्ट को केवल अप्लाई करना हो, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं करना हो, तो उसको फ्रीज कर दो, जिससे आगे चल के अगर कोई दूसरा भी बंदा अगर उसके साथ काम करता है उस कोड के साथ, तो वो कभी भी उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। तो उसके अंदर कुछ कंडीशन दे देते हैं, सबसे पहला आइडल, आइडल के अंदर आपने यहाँ पे दे दिया
आइडियल, इसके बाद दूसरा अपना दे देते हैं इसको एरर। अगर कोई एरर आती है तो एरर के अंदर आप यहाँ पे एरर दे देते हैं। तीसरी जो इसकी कंडीशन है वो अपनी रहेगी लोडिंग, इसको अपन इस तरीके से भी कर सकते हैं कि यहाँ पे आप बोल दो इसको सक्सेस, तो यहाँ पे आइडियल हो जाएगी, या फिर इसके अंदर हो जाएगा सक्सेस और यहाँ पे आप इसको बोल सकते हैं लोडिंग। ठीक है, तो अपने पास अब तीन स्टेट इसकी हो चुकी हैं। अब इसी के अंदर आप क्या करते हैं, बाय डिफॉल्ट कोई ना कोई स्टेट आपको देनी होगी, तो यहाँ पे स्टेटस के अंदर जो सक्सेस है इसको आप दे देते हैं बाय डिफॉल्ट। ठीक है, ये अपनी हो गई इनिशियल स्टेट। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, रिड्यूसर बनाना है। तो मैं यहाँ पे रिड्यूसर्स, और रिड्यूसर्स एक ऑब्जेक्ट होता है, तो आपको यहाँ पे इस तरीके से पास कर देना है। अब एक फंक्शन को यहाँ पे कॉल करना है, जो भी आपको मन है, उस जो भी आपका मन है वो आप यहाँ पे नाम दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पे सेट प्रोडक्ट नाम दिया, यहाँ पे दो चीज़ें होंगी स्टेट और एक्शन। ठीक है, तो अपने पास दो चीज़ें इसके अंदर होने वाली हैं। तो एक्शन का नाम फिर से आपने गलत, मतलब मैंने गलत कर दिया एक्शन, और इस तरीके से इसके अंदर पास करना है। अब इसके अंदर क्या करना है कि जो स्टेट है उसके अंदर जो डेटा है उसके अंदर वैल्यू डालनी है। ये देखो यहाँ पे इनिशियल स्टेट है, मैंने आपको क्या बोला कि स्टेट नाम के वेरिएबल के अंदर ए वाली स्टेट जाती है। अब इस स्टेट के अंदर क्या है, इस स्टेट के अंदर दो चीज़ें हैं, एक डेटा है दूसरा स्टेटस है। तो आपको जब भी आपको डेटा के अंदर वैल्यू डालनी है तो आपको क्या करनी है, स्टेट डॉट डेटा इक्वल टू एक्स के अंदर से जो पेलोड आएगा उस पेलोड को आपको अप्लाई करवा देना, बस इतना करना था। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे एक और फंक्शन आप डिफाइन करेंगे जिसका नाम रख देता हूँ मैं सेट स्टेटस। अब इस सेट स्टेटस के अंदर भी एक चीज़ होगी स्टेट, दूसरा अपना होगा एक्शन। अब इसके अंदर आपको बस स्टेट है, उस स्टेट के अंदर स्टेटस है, इस स्टेटस के अंदर आपको क्या करना है, एक्शन डॉट पेलोड यहाँ पर भी आपको अप्लाई करना है, बस इतना काम करना था। ठीक, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, अब यहाँ पे आपको एपीआई जो कॉल करनी है उस एपीआई वाले फंक्शन को आपको क्रिएट करना है, लेकिन उसके पहले भी एक चीज़ करना पड़ेगा। आप यहाँ पे नीचे आओगे और यहाँ पे आप एक्सपोर्ट करोगे कॉन्स्ट, और यहाँ पे इस सेट प्रोडक्ट्स को जो आपने ऊपर बनाया है, और इसके बाद सेट स्टेटस को आप यहाँ पर एक्सपोर्ट करोगे। कहाँ से कर दोगे, जो अपने पास प्रोडक्ट स्लाइस है इसके अंदर कुछ एक्शंस हैं, यहाँ से आपने इसको एक्सपोर्ट कर दिया, और यहाँ से एक्सपोर्ट डिफॉल्ट डिफॉल्ट, और जो प्रोडक्ट स्लाइस आपने बनाई है इसके अंदर है रिड्यूसर, यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर दो। और इसके बाद आपको यहाँ पे जो स्टोर था स्टोर के अंदर इसको ले लेना है, तो स्टोर के अंदर लेने के लिए यहाँ पर इम्पोर्ट, इसको बोल दो आप प्रोडक्ट रिड्यूसर इक्वल नहीं फ्रॉम, और इसको फ्रॉम, और ये कहाँ से आएगा प्रोडक्ट स्लाइस में से, यहाँ से प्रोडक्ट, और यहाँ से आपने क्या बोला इसको बोल देते हैं। ठीक है, इस तरीके से सेट हो गया। अब चलते हैं अपने प्रोडक्ट स्लाइस के अंदर, यहाँ पे आपको क्या करना है, एपीआई को कॉल करना है। तो यहाँ पे आपको जो मिडलवेयर होता है मिडलवेयर, तो इस मिडलवेयर को कॉल, मिडलवेयर की मदद से आप उसको एपीआई को कॉल करते हो। तो क्या करते हो, आपने यहाँ पे लिखा एक्सपोर्ट फंक्शन, और ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक, एक्सपोर्ट फंक्शन, इसके अंदर फैच प्रोडक्ट, और इसके बाद आपने फैच प्रोडक्ट, और इसके बाद आपको इस तरीके से इसके अंदर करना है। यहाँ पर आपको एक फंक्शन पास करना होता है, ये वाला जो फंक्शन होता है वो एसिंक्रोनस फंक्शन ही होता है, दूसरा कोई फंक्शन नहीं होता है। आपने यहाँ पे क्या करना है, फैच प्रोडक्ट नाम से मैंने यहाँ पे फैच प्रोडक्ट अंक नाम से मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया। इसके अंदर दो वैल्यू होती हैं, दूसरा पहला होता है डिस्पैच, दूसरा होता है गेट स्टेट। गेट स्टेट तब यूज किया जाता है जब आपके पास मल्टीपल स्टेट हो, अभी केवल सिंगल है तो इसके लिए डिस्पैच अकेला यूज करते हैं। और यहाँ पे आप क्या कर देंगे, इस डिस्पैच मेथड का आप कॉल करेंगे, और डिस्पैच मेथड के अंदर आप क्या कर देंगे, सेट स्टेटस बाय डिफॉल्ट। अभी इसके अंदर सेट स्टेटस के अंदर आप क्या कर रहे हैं, स्टेटस डॉट लोडिंग पास कर रहे हैं बाय, जब आप स्टेटस डॉट लोडिंग, यहाँ पे लोडिंग ही है ना, ठीक है लोडिंग ही है, तो स्टेटस के अंदर से आपने लोडिंग को पास कर दिया। कब पास कर दिया, जब आपने एपीआई को कॉल नहीं किया तब।
जब आप एपीआई को कॉल करोगे तो आपने क्या किया, ट्राई कैच को यहाँ पे यूज कर लिया, और यहाँ पे आप क्या करना चाहते हो, यहाँ पे आपको एक वो वाला कोड चाहिए, तो ये वाला कोड यहाँ से ले लेंगे, ये दोनों लाइन चाहिए, ये दोनों यहाँ से उठाते हैं, प्रोडक्ट स्लाइस के अंदर जाते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक। ये आपने कर दिया, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे डिस्पैच फंक्शन को कॉल करना है, और जो सेट प्रोडक्ट था ना, इस फंक्शन को कॉल करके यहाँ पे जो डेटा आ रहा है, इस डेटा को आपको पास कर देना है। तो डेटा के अंदर आपने क्या किया था, यहाँ पे देखो आप, डेटा के अंदर आपने एरे पास किया है ना, तो एरे आपने का जो कहाँ पे किया, सेट प्रोडक्ट की मदद से आपने डेटा के अंदर सेट कर दिया ना। इसके बाद आपको यहाँ पे डिस्पैच करना है किसको, सेट स्टेटस। सेट स्टेटस भी तो एक फंक्शन ही है ना, देख रहे हो ना यहाँ पे कितना ईजिली होता जा रहा है। यहाँ पे देखो सेट स्टेटस भी एक फंक्शन ही है, जिसको आपने क्या कर दिया, कॉल कर दिया। अब फिर से आपको क्या करना है, स्टेटस डॉट इसके अंदर जो सक्सेस है इसको यहाँ पे पास कर देना है, ठीक है। तो अपना सक्सेस हो चुका है। इसके बाद अगर एरर कोई आती है अपने पास गलती से, तो कंसोल के अंदर इस एरर को अपन प्रिंट करा देंगे, और यहाँ से डिस्पैच कर देंगे, किस चीज़ को डिस्पैच कर देंगे आप, सेट स्टेटस को, और सेट स्टेटस के अंदर आप क्या कर देंगे, स्टेटसेस डॉट एरर वाला आप यहाँ पे शो करा देंगे। सिर्फ इतना सा आपको काम करना है। अब क्या करना है, इस चीज़ को आपने यहाँ पे रिड्यूसर मतलब जो स्टोर था, स्टोर के अंदर भी आपने सेट कर दिया है, और यहाँ पे आपने एपीआई को कॉल करके इन सब फंक्शन के अंदर डिस्पैच भी आपने अप्लाई कर दिया है। अब क्या करना है, अब आपको जो होम डॉट जेएसएक्स है ना, वहाँ पे आपको क्या करना है, शो कराना है। तो अभी चलते हैं अपन होम डॉट स्लाइस, होम डॉट जेएसएक्स के अंदर, और होम डॉट जेएसएक्स के अंदर जो आपने यहाँ पे फंक्शन बनाया था ना, इस फंक्शन को पहले आप हटाते हैं, और यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो फेच प्रोडक्ट आपने यहाँ से बनाया था, पहले तो प्रोडक्ट स्लाइस के अंदर ये देखो आपने यहाँ पे क्या किया, एक्सपोर्ट किया इस फंक्शन को, फेच प्रोडक्ट नाम से फंक्शन को, ठीक है। तो होम डॉट जी एस एक्स के अंदर को पहले आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो इंपोर्ट करने के लिए आप यहाँ पे क्या कर देंगे, आप यहाँ पे लिख देंगे फैच प्रोडक्ट, यहाँ पे देखो डायरेक्ट आपको सजेशन मिल गया, तो इंपोर्ट हो गया अपना फैच प्रोडक्ट। इसके बाद आपको क्या करना है, अब इसके बाद आपको यहाँ पे पता क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे आएंगे आप कहाँ पे, स्टोर के अंदर, स्टोर के अंदर जो आपने प्रोडक्ट बनाया है यहाँ पे, तो ये क्या हुआ, ये यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर जितने भी अपने फंक्शन है वो आपने सेट कर लिए। अब जो डेटा है ना, वो डेटा आपको कहाँ पे मिलेगा, डेटा आपको मिलेगा इस प्रोडक्ट स्लाइस के अंदर जो स्टेट आपने बनाई ऊपर, अगर आप देखोगे तो जो इनिशियल स्टेट के अंदर जो आपने डेटा नाम से जो यहाँ पे वेरिएबल बनाया, इसके अंदर आपके जो है वो डेटा आया होगा, है ना। तो अब इस डेटा को आपको होम के अंदर एक्सेस करना है, तो कैसे करोगे, वही एक तरीका है ना, आपने क्या किया है, जो आपने रिड्यूसर बनाया है, यहाँ पे जो रिड्यूसर बनाया है, ये जो रिड्यूसर वहाँ पे स्टेट को आपने पहुँचाया है ना। अब जब वो स्टेट को पहुँचाया है, तो लेकिन रिड्यूसर को आपने कहाँ पे रखा है, याद करो ना कहाँ पे रखा, आपने रखा है स्टोर के अंदर। तो स्टोर के अंदर क्या है, प्रोडक्ट है, तो आप प्रोडक्ट नाम से आप इसको क्या करोगे, एक्सेस करोगे। कैसे एक्सेस करोगे, यूज सेलेक्टर की मदद से। यूज सेलेक्टर मैंने आपको पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ, बहुत ही सिंपल तरीका होता है इसको यूज करने का। सबसे पहले आपको क्या करना है, यूज सेलेक्टर आपको लिख देना है, आ गया ऊपर इंपोर्ट हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले कोई भी आपको, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो भी देखो जब आप प्रोडक्ट को एक्सेस करोगे यहाँ पे, अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे इक्वल टू का साइन, और मैं यहाँ पे यूज सेलेक्टर लिखूंगा, यूज सेलेक्टर, और यूज सेलेक्टर एक कॉल बैक फंक्शन लेता है। इस फंक्शन के अंदर जो स्टेट जितनी भी स्टेट हैं वो यहाँ पे मिल जाती हैं। अब यहाँ से आप क्या करोगे, जो स्टेट है उस स्टेट के अंदर जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को मैं एक्सेस करना चाहता हूँ। अब प्रोडक्ट के अंदर क्या है, प्रोडक्ट के अंदर है दो चीज़ें, क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले उसके अंदर है डेटा, उस डेटा है, दूसरा उसके अंदर है स्टेटस। अगर आपको याद होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से पहले इसको थोड़ा सा सही से अरेंज करते हैं। अगर आप प्रोडक्ट स्लाइस के अंदर जाओगे, स्टेट के अंदर है डेटा और यहाँ पे दूसरा है स्टेटस, तो इसी को आपने क्या किया है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट होता है ना, वही चीज़ आपने यहाँ पे किया है कि आपने जो प्रोडक्ट नाम का जो स्टेट था वहाँ से आपने डेटा और स्टेटस दो चीज़ें आपने यहाँ से निकाल ली है। अब आप यूज इफेक्ट के अंदर जाओगे, यूज इफेक्ट के अंदर आपने बोला कि जो डिस्पैच है, मैं यहाँ से क्या करना चाहता हूँ, जो फैच प्रोडक्ट है उस फैच प्रोडक्ट को मैं डिस्पैच करना चाहता हूँ, यानी कि कॉल करना चाहता हूँ, ठीक है। अब जो अपने पास डेटा आएगा वो किस में आएगा, इस डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर,
लेकिन आपने क्या किया है, नीचे आपने यहाँ पे तो प्रोडक्ट लिखा है ना, एक तरीका ये है आप इसको लिख दो डेटा, दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे क्या कर दो, जो डेटा आ रहा है ना उसी का नाम आप चेंज कर दो, उसी का नाम चेंज करके आप यहाँ पे कर सकते हो प्रोडक्ट्स। अगर आप इस तरीके से करोगे और यहाँ से इसको यूज स्टेट को अभी हटाना पड़ेगा, और यहाँ से भी आप यूज स्टेट हटा दो तो जाना बेहतर रहेगा, ठीक है। अगर आपने ऐसा कर दिया उसके बाद अगर आप यहाँ पे जाओगे, सबसे पहले चलते हैं होम पेज पे, तो होम पेज पे जाके मैं इसको करता हूँ रीलोड। यहाँ पे देखो इस तरीके से मिल रहा है, ठीक है, अपना डेटा बिल्कुल प्रॉपर आ रहा है, कहीं पर भी कुछ भी गड़बड़ नहीं है। अब लेकिन मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे आपने जो यहाँ पे स्टेटस लिया है, इस स्टेटस का फ़ायदा किस तरीके से उठा सकते हैं। जब भी आप यहाँ पे प्रोडक्ट स्लाइस के अंदर, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मैंने इस चीज़ को एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि इस स्टेटस का फ़ायदा मैं हर एक जगह उठा सकूँ, पूरे ऐप के अंदर जहाँ पे ज़रूरत मुझे लगे उस जगह पे मैं इसका फ़ायदा उठा लूँ। अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको स्टेटसेस करना पड़ेगा, तो मुझे स्टेटसेस लिखूँगा, तो यहाँ पे देखो अपना क्या हो गया, इम्पोर्ट हो गया। अब इसी का अपन फ़ायदा उठाएंगे, कैसे उठाएंगे, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे इसी के नीचे हैंडल हेड के नीचे आके आप बताओगे कि अगर स्टेटस जो आ रहा है, अगर वो स्टेटस किस किस के बराबर है, अगर वो है स्टेटसेस डॉट लोडिंग के बराबर अगर वो है, तो आप उसके अंदर क्या कर दो, आप उसके अंदर रिटर्न कर दो, इसके अंदर आप रिटर्न H2 कर दो, और H2 के अंदर आप क्या कर देना, H2 के अंदर आप कर देना कि आप वहाँ पे लिखी हो लोडिंग, और इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे देते हैं थोड़ा सा स्टाइल, और स्टाइल के अंदर मैं यहाँ पे देता हूँ फॉन्ट वेट, और फॉन्ट वेट के अंदर बोल्डर। तो अभी आप यहाँ पे अगर रीलोड करोगे इसको, तो इसको देखो जैसे मैं रीलोड करूँगा, यहाँ पे पहले लोडिंग लिख के आएगा, उसके बाद ये करेगा। अभी लोडिंग क्यों लिख के आ रहा है पहले तो मुझे ये बताओ। इसलिए आ रहा है क्योंकि प्रोडक्ट स्लाइस के अंदर आपने जब इस फंक्शन को बनाया, तो वहाँ पे किसी भी एपीआई को कॉल करने के पहले आपने लोडिंग वाली स्टेट वहाँ पे अप्लाई करवाई है, ठीक है। तो इसीलिए इस तरीके से काम हो रहा है। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, रिडक्स का यूज करते हो, रिडक्स के अंदर किसी एपीआई को कॉल करना है तो इस तरीके से आप एपीआई को कॉल कर लेते हो। इसके बाद इसके अंदर क्रिएट एसिंक थंक नाम से एक फंक्शन होता है, वो भी आप इसके अंदर यूज कर सकते हो, जो कि आपको स्पेशली रिडक्स जेएस की टूलकिट में आपको पर्टिकुलरली मिलता है। अब लेकिन मैं उसका यूज नहीं करके दिखाऊंगा, अब उसका कारण तो बताने से पहले एक चीज बताता हूँ आपको कि मतलब जो मोस्टली लोगों को जो रिडक्स डिफिकल्ट लगता है वो क्यों लगता है, उसका बहुत ही सिंपल सा रीजन है उसका, कि रिडक्स का है ना, रिडक्स ने अपने आप को अपडेट किया है। तो जब रिडक्स इससे पहले यूज होता था तो वहाँ पे आप एक्शन पेलोड रिड्यूसर अलग अलग जगह पे बनाते थे, वहाँ पे अलग अलग काम करते थे। उसके बाद कमांड रिड्यूसर नाम से एक फंक्शन आया, कमांड रिड्यूसर फंक्शन कॉल होने लगा, उसके बाद आया अपना एक क्रिएट स्लाइस नाम से फंक्शन। तो अब क्या है ना कि अब मोस्टली बहुत मतलब जो अलग अलग प्रकार के लोग हैं जिन्होंने आज से 3 साल पहले सीखा था, तो उनके जो लिखने का तरीका वो थोड़ा सा अलग है। अभी जो 2022 के बाद जो लोग लिख रहे हैं उनका लिखने का तरीका अलग है। तो जो लिखने का जो तरीका चेंज हो गया, लोगों को लगने लगा कि अरे अगर मैं कोई किसी दूसरे का अगर प्रोजेक्ट आप फॉलो कर रहे हैं, उसने अगर किसी और फंक्शन अप्लाई कर दिया और आपने तो पढ़ा क्रिएट स्लाइस है, तो जब इस तरीके से दोनों फंक्शन एक दूसरे के साथ मर्ज होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि ए वाला फंक्शन सही है या ए वाला फंक्शन सही है, ये मुझे इस प्रकार के जो सिंटेक्स यूज करना चाहिए ए वाला। तो मैं आपको यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा तरीका बताता हूँ। आपने जो भी आपने तरीका पढ़ा है, नो मैटर आपने यहाँ पे जो क्रिएट स्लाइस वाला पढ़ा है या फिर आपने कमांड रिड्यूसर वाला पढ़ा है, जो भी आपने पढ़ा है उस एक को आप 4 बार 5 बार 6 बार अप्लाई करिए। जैसे ही आप उसको मल्टीपल टाइम अप्लाई कर लोगे आपको पूरा फ्लो समझ में आएगा रिडक्स का, और जब आपको रिडक्स का फ्लो समझ में आ गया उसके बाद तो कुछ बात ही नहीं है, फिर तो आराम से बस आपसे काम हो जाएगा, पूरा इजीली आप रिडक्स अप्लाई कर सकते हो। बस आप इस फ्लो को आप एक बार समझ लेना, अगर आपने फ्लो इस वीडियो के बाद तो आई होप आपको पूरा फ्लो समझ में आ गया होगा, मैंने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट लगाया है। लेकिन अगर अभी भी आपको कोई एरर है या कुछ डाउट है कमेंट सेक्शन में बता देना, नहीं हो इंस्टाग्राम पे आओ, पर्सनल मैसेज करो, पर्सनल कॉल करो, बिल्कुल पूछो जो भी कोई दिक्कत है बात की, ठीक है। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल नाउ।